हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनटी अभ्यास मॉक टेस्ट फॉर नीट नंबर टेस्ट नंबर 33। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बायो से, देन केमिस्ट्री आएंगे, उसके बाद आएंगे फिजिक्स में। ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ क्विक रिविज़न के लिए है। जो डिटेल्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो वीडियो आएंगे बाद में चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए जाएंगे। और इस टेस्ट का पीडीएफ फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जिन्हें चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बायो से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई विच वन इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? तो आंसर जो सी हमारा है, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन लिविंग, ये जो है हमारा गलत है। बाकी जो ये ए बी और डी है वो सही है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एक्सट्रिंजिकली। बी रिप्रोडक्शन इज नॉट द रिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। डी ह्यूमन बींग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म विच हैज सेल्फ कॉन्शसनेस। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। माउंटेंस कैन ग्रो विथ द एकुमुलेशन ऑफ सब्सटांसेज ऑन द सर्फेस एंड दस कैन ग्रो एक्सट्रिंजिकली। म्यूल्स एंड वर्कर हनी बीज आर लिविंग बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, हेंस रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स आर अवेयर ऑफ कंसियस ऑफ दियर सराउंडिंग्स, ओनली ह्यूमन्स आर सेल्फ अवेयर। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नॉन लिविंग थिंग्स बट आर श्योरली लिविंग रिएक्शंस। दस एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नाइदर लिविंग नॉर लिविंग। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ब्लड सेल क्या होगा। क्वांटिटी के अनुसार हमको ऑर्डर बताना है। तो हमारा ए आंसर जो है, इरिथ्रोसाइट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद थ्रोम्बोसाइट, देन न्यूट्रोफिल, उसके बाद लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल, देन बैसोफिल। इसको आप ट्रिक भी बना के याद रख सकते हैं। हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इरिथ्रोसाइट काउंट इज अबाउट 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। प्लेटलेट काउंट इज अबाउट 2.5 to 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम। लीकोसाइट्स आर 5 to 9,000 पर क्यूबिक एमएम। न्यूट्रोफिल्स कंसिस्ट ऑफ 54 to 62% ऑफ लीकोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कंसिस्ट ऑफ 25 to 33% ऑफ लीकोसाइट्स। मोनोसाइट कंसिस्ट ऑफ 3 to 9% ऑफ लीकोसाइट्स। इसनोफिल कंसिस्ट ऑफ 3% ऑफ लीकोसाइट्स एंड बैसोफिल कंसिस्ट ऑफ 0.5% ऑफ लीकोसाइट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ सिलिएटेड इपिथीलियम। सिलिएटेड इपिथीलियम के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट जो है फाउंड ओनली इन द लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया। सेकेंड है सिलिया आर फाउंड ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ द सेल्स। थर्ड कह रहा है हेल्प इन मूविंग पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ओवर द इपिथीलियम। और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो है माइक्रोविलाई आर फाउंड एट द फ्री एंड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एन ऑफ ऑर्गेन। अब कह रहा है आइडेंटिफाई द वंस दैट आर करेक्ट, कौन कौन सा करेक्ट है। तो हमारा आंसर है सी, सेकेंड और जो थर्ड है वही केवल करेक्ट है, बाकी वो फर्स्ट और जो फोर है वो हमारा इनकरेक्ट है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कैसे इनकरेक्ट है। तो सिलिएटेड इपिथीलियम, सिलिएटेड कॉलुमनर इपिथीलियम इज मेड ऑफ सिंपल कॉलुमनर इपिथीलियम सेल्स विथ सिलिया ऑन दियर फ्री सर्फेसेज। दियर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द इपिथीलियम। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सर्फेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। माइक्रोविलाई आर फाउंड ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ कॉलुमनर इपिथीलियम लाइनिंग द एलिमेंट्री कैनाल टू हेल्प इंक्रीज सरफेस एरिया। इसलिए हमारा वन और फोर जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में। इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज, आंसर हमारा बी है, टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इन टू द मेडुला। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन किडनीज विद रिगार्ड टू दियर लोकेशन देर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड दे आर कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स शेयर द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अबाउट 80% to 85% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन। दिज नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द रीनल कॉर्टेक्स विद वेरी शॉर्ट लूप ऑफ हेनले दैट एक्सटेंड ओनली लिटिल टू इन टू द मेडुला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे।
In yeast, two organisms fuse together. This type of syngamy is called. आंसर हमारा डी होगा, होलोगैमी। इस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फ्यूजन ऑफ गैमिट्स दैट डू नॉट डिफर फ्रॉम ईच अदर स्ट्रक्चरली इज कॉल्ड आइसोगैमी। द फ्यूजन ऑफ गैमिट्स दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर स्ट्रक्चरली इज कॉल्ड एन आइसोगैमी। द फ्यूजन ऑफ लार्ज नॉन मोटाइल मेल गैमेट एंड अ स्मॉल मोटाइल फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ऊगैमी। In yeast, there is no difference between gametes and the somatic cell. Thus, the entire protoplast fuses, resulting in hologamy. Okay, अब क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखते हैं। In which of the following bees wax glands are found? आंसर हमारा सी होगा, वर्कर्स में पाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। In workers, wax glands are found for wax secretion. यहाँ पे क्वेश्चन होगा। वर्कर्स ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर्टाइल एग्स लेड बाई द क्वीन। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रूसी या रोजी बोलते हैं प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन इन रिस्ट मिल्क। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज इट वॉज प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट इज द ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन द मिल्क। आंसर हमारा बी होगा, इन 1997 एंड अल्फा लैक्टोबुलिन प्रोटीन। एक्सप्लेनेशन है, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउज रोजी वाज प्रोड्यूस्ड बाय रोजालिन इंस्टीट्यूट इन 1997। द ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस्ड अ ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लैक्टोबुलिन इन रिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम्स पर लीटर। इट वाज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन पेबेज देन नेचुरल काउ मिल्क। क्वेश्चन नंबर एट। A homozygous tall pea plant with yellow pods is crossed with a homozygous dwarf pea plant with a green pods. The offsprings produced are shelved. In the F2 generation, the ratio of plants having parental combination to new combination is. Our answer is B, 6:1. Dekh lete explanation. Genotype of homozygous tall plant with yellow pod is T, small g. While genotype of dwarf plant with green pod is t, capital G. All offsprings they produce are hybrids, T, small g, tall with green pods. On shelving, they produce four types of plants, tall with green pod, tall with yellow pod, dwarf with green pod, and dwarf with yellow pod in the ratio 9:3:3:1. The parental combinations tall with yellow pods and dwarf with green pods account to 6 out of 16, while recombinants tall with green pods and dwarf with yellow pods account to 10 out of 16. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप एमोंग फ्रुगिफोरस बर्ड्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट्स द रीग्रेशन कोएफिशिएंट इज। आंसर हमारा सी, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। और देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इन स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप रिग्रेशन कोफिशियंट और जेड लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2 रिगार्डलेस ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ द रीजन। इन द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप्स अमंग वेरी लार्ज एरियाज लाइक द इंटायर कंटिनेंट्स जेड वैल्यूज आर इन द रेंज ऑफ 0.6 to 1.2। फॉर फ्रुगिफोरस बर्ड्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट्स द वैल्यू ऑफ जेड इज 1.15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। स्टेटमेंट फर्स्ट है, द लॉन्गेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट इज नियरेस्ट टू द एनोड। सेकेंड है, द मैट्रिक्स ऑफ द जेल इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेंड फ्रॉम सीवीड्स। थर्ड है, द प्रोसेस इज यूज टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। और फोर जो है वो है, द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए सेपरेट ड्यू टू द सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाई अगारोजेल। और जो हमारा जो सही आंसर है वो है 2, 3 और जो 4 है वो सही है। और जो फर्स्ट जो है, द लॉन्गेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट इज नियरेस्ट टू एनोड, ये गलत है। जो शॉर्टेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट होगा वो एनोड के नज़दीक रहेगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। DNA fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis, where molecules having a net negative charge migrate towards the positive electrode anode, whereas net positively charged molecules
migrate towards the negative electrode cathode. The negatively charged DNA fragments are can be separated by forcing them to move towards the anode under the electric field through a medium or matrix agarose, a natural polymer extracted from seaweeds. The larger fragments move slowly when compared to smaller ones, and they tend to remain nearer to the cathode. The DNA fragments separate according to their size through the sieving effect provided by the agarose gel. The smaller fragment in size moves the farthest. The process is used to check the progression of restriction enzyme digestion. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉन्ट्रीवेंस फॉर क्रॉस प्रोनेशन. आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्लिस्टोगेमी. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. डाइक्लिनी और यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर इंश्योर्स दैट ओनली क्रॉस प्रोनेशन इन मेनी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स स्टामेंस एंड कार्पेल्स ऑफ अ फ्लावर डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम. दिस इज कॉल्ड डाइकोगेमी. इन सम प्लांट्स मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स आर फॉर्म्ड इन बिटवीन द एंथर एंड अ स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर सो सेल्फ पोलिनेशन कैन नॉट अकर. दिस इज कॉल्ड हर्कोगेमी. इन क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स डू नॉट ओपन दस इंश्योरिंग ओनली सेल्फ पोलिनेशन. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. एन ऑर्गेनिज्म हैज अ जीन एक्स इट्स डोमिनेंट एलील एक्सप्रेसेज कैरेक्टर C1 व्हाइल इट्स रिसेसिव एलील एक्सप्रेसेज कैरेक्टर C2. दिस डोमिनेंट एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द रिसेसिव एलील. इट हैज अनदर जीन Y व्हिच इन इट्स डोमिनेंट फॉर्म डज नॉट अलाउ एन एक्सप्रेशन ऑफ जीन एक्स. व्हिच ऑफ दिस जीनोटाइप्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म विल प्रोड्यूस कैरेक्टर C1. हमारा आंसर होगा D, कैपिटल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल वाई, और कैपिटल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल वाई. देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस. हियर वाई इज द एपिस्टैटिक जीन इन इट्स डोमिनेंट फॉर्म दैट इज कैपिटल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई. इट विल नॉट ऑल एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल एक्स. That means for expression of capital X, the genotype should be small y. C1 is dominant character expressed by gene capital X. Hence, C1 can be expressed by genotypes capital X or capital X small x. Thus, organisms which express character C1 have genotype capital X small y or capital X small y small y. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है लूसी एंड टुआंग बेबी आर फॉसिल्स ऑफ. हमारा आंसर है बी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस. हमारा एक्सप्लेनेशन है लूसी इज फॉसिल्स ऑफ फीमेल स्केल्टन ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारनेसिस. इट वाज डिस्कवर्ड बाय डोनाल्ड जोहानसन इन इथोपिया. द टुआंग बेबी इज अ फॉसिल्स ऑफ अ स्कल ऑफ अ यंग ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस. इट वॉज डिस्कवर्ड इन रेमन डार्ट इन टुआंग साउथ अफ्रीका. क्वेश्चन नंबर 14 Atlas 66 इज. आंसर ए होगा अ व्हीट वेराइटी हैविंग हाई प्रोटीन कंटेंट. और एक्सप्लेनेशन हमारा है Atlas 66 इज अ सॉफ्ट रेड विंटर वेराइटी ऑफ व्हीट दैट इज हाईली रिच इन proteins. It is used as a donor for cultivating improved varieties of wheat with genetic potential of 4-2% higher grain protein content. The plant was released into growers by the Agriculture Research Service USDA and the Nebraska Agriculture Experiment Station in 1975. Question number 15. Which of these statement is correct? Answer A हमारा है herbivores are more adversely affected by competition than carnivores. बाकी जो बी सी और डी जो है वो इनकरेक्ट है. carnivores are more adversely affected by competition than herbivores. गलत है. both herbivores and carnivores are equally affected. गलत है. both herbivores and carnivores are not affected. ये भी गलत है. explanation देख लेते हैं. plant compete with environment and with other for mineral resources. Any deficiency of any nutrient or mineral in the environment affect plants first. When plants decrease the food available to the herbivores decreases and they get affected. However, the effect of deficiency will
कम लेटर इन कार्निवोरस वेन ऑल प्लांट्स एंड हर्बीवोरस डाई। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दीज कंडीशंस इज ऑटोजोमल डोमिनेंट। ऐसा हमारा बी होगा, हंटिंगटॉन्स डिजीज। देख लेते एक्सप्लेनेशन, फिनाइल किटोनोरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड अल्जाइमर्स डिजीज आर कॉज्ड ड्यू टू ऑटोजोमल रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम नंबर 4, 7 एंड 19 रिस्पेक्टिवली। हंटिंगटॉन्स डिजीज इज एन ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर इन विच मीन्स वन कॉपी ऑफ द अल्टर्ड जीन इन ईच सेल इज सफिशियंट टू कॉज द डिसऑर्डर। इट इज कॉज ड्यू टू अ डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम 4। देयर इज अ ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू ड्यूरिंग मिडल एज लीडिंग टू कंसिक्वेंट श्रिंकेज ऑफ द ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 17, मेरियस स्टेम्स मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। आंसर हमारा डी होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट भी होगा, पोजिशन इन प्लांट बॉडी और फंक्शंस भी होगा। देख लेते एक्सप्लेनेशन, मेरी स्टेम इज अ टिश्यू इन प्लांट मेड अप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। इट कंसिस्ट ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स दैट आर कैपेबल ऑफ सेल डिविजन एंड दे कैन डेवलप इन टू ऑल द अदर टिश्यूज एंड ऑर्गेन्स दैट अकर इन प्लांट। क्वेश्चन नंबर 18, सम सेक्रेटरी सेल्स सिंथेसाइज एंड रिलीज ग्लाइकोप्रोटीन्स। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एज दे अकर इन सेक्रेटरी सेल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्जोसाइटोसिस, सेकेंड है प्रोडक्ट एक्यूमुलेट्स इन सेक्रेटरी वेसिकल्स, थर्ड है एमआरएनए बाइंड्स टू राइबोसोम्स और फोर्थ जो है वो हमारा सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन है। और हमारा जो सीक्वेंस हो जाएगा वो 3, 4, 2 है, यानी 3 मतलब कि एमआरएनए बाइंड्स टू राइबोसोम, देन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, उसके बाद प्रोडक्ट एक्यूमुलेट्स इन सेक्रेटरी वेसिकल और लास्ट में हो जाएगा एक्जोसाइटोसिस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस फॉलोज द टिपिकल ट्रांसक्रिप्शन टू ट्रांसलेशन स्टेप्स। द एम आर एन ए हैविंग द कोड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन विल बी ट्रांसलेटेड बाय द राइबोसोम पॉसिबली इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। लेटर द कंस्ट्रक्टेड प्रोटीन इज प्रोसेस्ड बाई गोल्जी बॉडीज एंड सेक्रेटेड आउट ऑफ द सेल वाया एक्जोसाइटोसिस इन वेसिकल्स मेड आउट ऑफ द गोल्जी बॉडीज। सच सेक्रेटरी सेल्स हैव अ हायर अमाउंट ऑफ RER एंड GB। क्वेश्चन नंबर 19, द ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट एट विच द एंजाइम इन अ बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर डाइजेस्ट एंड रिमूव्स फ्रूट जूस स्टेन्स। हमारा यहाँ पे फिगर दिया हुआ है और कह रहा है विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द शेप ऑफ द ग्राफ एट टेम्परेचर हायर दैन एक्स। पहला है बॉन्ड्स आर ब्रोकन बिटवीन द आर ग्रुप ऑफ द एमिनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एंजाइम। सेकेंड कह रहा है देर आर मोर कोलिजन्स बिटवीन द एंजाइम्स एंड इट्स सबस्ट्रेट। थर्ड कह रहा है द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम इज अल्टर्ड। और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो है द शेप्स ऑफ द एक्टिव साइट एंड द सबस्ट्रेट आर नो लॉन्गर कम्प्लीमेंट्री। हमारा आंसर हो जाएगा C 1, 3 और जो 4 है वो एक्सप्लेन करता है ग्राफ का, 1, 3 और 4 सेकेंड नहीं करता है। देयर आर मोर कोलिजन बिटवीन द एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट, ये हमारा गलत है। और हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। ईच एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन अ टेम्परेरली इनएक्टिव स्टेट वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाई हीट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे, अ स्टूडेंट कम्स अक्रॉस द फॉलोइंग सिंबल इन अ पेडिग्री चैट द डिजीज इज डेफिनेटली। तो हमारा आंसर यहाँ बी होगा, ऑटोजोमल रिसेसिव होगा। देख लेते एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, द गिवन सिंबल इज अ कैरियर मेल, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर टाइप का है, ये बॉक्स है। तो दिस सिंबल इज कैरियर मेल, कैरियर मेल ओनली अकर इन रिसेसिव डिजीज। मेल आर नेवर कैरियर्स इन एक्स लिंक्ड डिजीज बिकॉज दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोजोम, ठीक है। दस दिस सिंबल कैन बी प्रेजेंट इन ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज ओनली। क्वेश्चन नंबर 21, कैटल एंड गोट रिफ्रेन फ्रॉम फीडिंग ऑन द वीड कैलोट्रोपिस बिकॉज। आंसर हमारा सी होगा, इट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कैलोट्रोपिस आर मिल्क
और मिल्क वीड इज अ पॉइजनस वीड दैट ग्रोज इन एशिया, इट इज कॉल्ड मिल्क वीड एज इट प्रोड्यूसेस अ मिल्की एक्सुडेट रिच इन कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स, दे इंक्रीज द हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड काउज डेथ, दे ऑल्सो हैव अ अनप्लीजेंट टेस्ट, हेंस कैटल एंड गोट डू नॉट फीड ऑन कैलोट्रोपीज। क्वेश्चन नंबर 22, अ मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज इज फॉर्म्ड बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन, हमारा आंसर है सी, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, लैक्टोज और मिल्क शुगर इज अ डाइसेक्राइड फाउंड बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन द फर्स्ट कार्बन ऑफ बीटा डी गैलेक्टो पैरानोज एंड द फोर्थ कार्बन ऑफ अल्फा डी ग्लूको पैरानोज, इट इज द लीस्ट स्वीट नेचुरली अकरिंग शुगर। क्वेश्चन नंबर अब 23 पे आते हैं, 23 कह रहा है सेकेंडरी कार्निवोर्स ऑक्यूपाई द, आंसर हमारा डी होगा, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, प्रोड्यूसर्स आर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोरस आर एट द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और प्राइमरी कार्निवोरस आर एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, वेयर एज द टर्सरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कार्निवोरस आर स्कैवेंजर्स आर एट द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। क्वेश्चन नंबर 24, द डायग्राम शोज थ्री फीचर्स फाउंड इन द टिश्यू ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, विच टिप्स ऑफ द गैस एक्सचेंज सिस्टम कूड बी रिप्रेजेंटेड एट पोजिशन पी इन द डायग्राम। ये जो हमारा क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग का जो है सॉरी वो हम लोग का एम्स में आता था, रीजनिंग टाइप में जीके में आता था, लेकिन एम्स और नीट साथ में हो रहा है तो इस टाइप का क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका आंसर जो हमारा होगा सी होगा, ब्रोंकस एंड ट्रेकिया होगा। ओके, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि द म्यूकोसल सरफेस ऑफ द ट्रेकिया इज लाइंड बाय सिलेटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम दैट इज रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, इंटरस्प्रेस्ड विथ गॉबलेट सेल्स द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू द लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई एंड दे आर हिस्टोलॉजिकली सिमिलर टू द ट्रेकिया, ब्रोंकाई आर लाइंड बाई सिलेटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम रेस्पिरेटरी एपिथेलियम एंड इंटरस्प्रेस्ड विथ गॉबलेट सेल्स, ब्रोंकाई गिव वे टू अ स्मॉलर कंडक्टिंग एयरवेज, ब्रोंकियोल्स विच आर थिन वॉल्ड एयरवेज लाइंड बाई वेरिएबली सिलेटेड और नॉन सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम बट लैक ग्लैंडुलर सेल्स, द ट्रेकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स आर सपोर्टेड बाई इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 करता है विच ऑफ दीज एनिमल्स प्रोड्यूस गैमिट्स बाई माइटोसिस, आंसर हमारा डी होगा। देख लेते एक्सप्लेनेशन, ड्रोन्स और मेल हनी बी आर हैप्लोइड हैविंग 16 क्रोमोजोम्स, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एग्स विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस, सिंस दे हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम्स दे डोंट अंडरगो मियोसिस, दे प्रोड्यूस गैमिट्स बाय माइटोसिस, इंपॉर्टेंट है। 26, विच ऑफ दीज एल्टोनियन पिरामिड्स आर करेक्टली डिस्क्राइब्ड, तो हमारा आंसर होगा डी, पिरामिड ऑफ नंबर मे बी इरेक्ट और इन्वर्टेड, पिरामिड ऑफ बायोमास मे बी इरेक्ट और इन्वर्टेड बट जो पिरामिड ऑफ जो एनर्जी है ऑलवेज इरेक्ट होता है। देख लेते एक्सप्लेनेशन, एनर्जी कीप्स ऑन द डिक्रीजिंग इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स, हेंस प्रोड्यूसर विल हैव मैक्सिमम एनर्जी व्हाइल टॉप कार्निवोर्स विल हैव द लीस्ट एनर्जी, हेंस द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इरेक्ट एंड नेवर इन्वर्टेड, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स एंड बायोमास मे बी अपराइट और इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 27, Identify the row having features true for a typical plant cell, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड जो है बी जो है वो सही है, सेलुलोज जो है 70 सेल वाल जो है सेलुलोज का बना रहता है, राइबोसोम जो है 70S एंड 80S दोनों होते हैं प्लांट सेल में टिपिकल में, और जो सेल का जो डायमीटर होता है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है, 70S जो होता है वो साइटोप्लाज्म में 80S होता है और माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट उसमें 70S राइबोसोम होता है। देख लेते एक्सप्लेनेशन, अ टिपिकल प्लांट सेल इज अ यूकैरियोटिक सेल हैविंग द सेल वॉल मेड अप ऑफ प्राइमरी सेलुलोज एंड प्राइमरली सेलुलोज एंड सेल साइज
इज लार्जर देन प्रोकैरियोट्स 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 10 to 100 माइक्रोमीटर। अ प्लांट सेल हैज़ 80S टाइप राइबोजोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड इट्स क्लोरोप्लास्ट हैज 70S राइबोजोम। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ दीज जीनोटाइप्स आर ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल्स। हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज जो जीनोटाइप्स है वो होमोजाइगस इंडिविजुअल है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। होमोजाइगस इंडिविजुअल्स ब्रीड प्योरली फॉर अ कैरेक्टर, दे शुड हैव द सेम एलील फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। जैसे हो गया कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल बी और कैपिटल सी। इज होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर ए, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बी एंड होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर सी। दस दिस ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस एंड विल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। सिमिलरली कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी आर होमोजाइगस टू। ये सभी होमोजाइगस हैं। अगर कैपिटल ए स्मॉल सी साथ में रहता तो हेटरोजाइगस हो जाता। 29 पे आते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, आंसर हमारा डी होगा, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ टू अंडरस्टैंड द चेंज इन फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ। वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑरिजिन ऑफ लाइफ दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑफ स्टार्स एंड इनडीड ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। तो 30 में क्वेश्चन कह रहा है कि करेंटली वी आर एक्सपीरियंसिंग द डैश एपिसोड ऑफ मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। हमारा आंसर है बी, सिक्स्थ एपिसोड ऑफ मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देयर हैव बीन 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटेंशंस ऑफ स्पीसीज सिंस द ऑरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। करेंटली वी आर एक्सपीरियंसिंग द 6th एपिसोड ऑफ मास ऑफ स्पीसीज इन विच स्पीसीज एक्सटेंशन रेट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम्स फास्टर दैन इन द प्री ह्यूमन टाइम्स बिकॉज ऑफ ह्यूमंस। क्वेश्चन नंबर 31। द लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन इज फाउंड इन द स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म विच प्रोड्यूसेस। हमारा आंसर होगा सी, हाइड्रोफिलस फ्लावर्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन इज फाउंड इन द इज अ टाइप ऑफ सी ग्रास कॉल्ड जोस्टेरा। इन दिस प्लांट द फ्लावर्स आर पोलिनेटेड बाई वाटर हाइपोहाइड्रोफिली। दियर पॉलन ग्रेन्स हैव स्टार्च ग्रेनुल्स विच मेंटेन्स दियर स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम सिंकिंग इन वाटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज सेमी कंजर्वेटिव। आंसर है डी, द टेम्पलेट फॉर ईच न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज वन स्ट्रैंड ऑफ द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। ये जो है हमारा सेमी कंडक्टर को एक्सप्लेन करता है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ रिप्लिकेशन। ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पैरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। द मिशेलसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट कंफर्म दैट डीएनए रेप्लिकेटेड सेमी कंजर्वेटिवली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे। ये जो क्वेश्चन है वो नीट में आ चुका है, एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है नीट में, तो हम देखते हैं। द फ्लो चार्ट इज अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ फॉस्फोरस साइकिल, आइडेंटिफाई लेबलिंग ए एंड बी। तो ए और बी को हमको बताना है क्या होगा। तो हमारा आंसर जो है वो है डी, ए जो है प्रोड्यूसर है और जो बी हमारा वहाँ जो हो रहा है विदरिंग हो रहा है, रॉक मिनरल्स का विदरिंग होगा तो सॉइल सॉल्यूशन बनेगा। देख रहे थे एक्सप्लेनेशन। दिस इज अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज इट बिगिंस विथ रॉक्स। फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन रॉक्स एज फॉस्फेट्स। व्हेन दे विदर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फेट्स डिजॉल्व इन सॉइल एंड रीच द प्लांट्स। दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। एनिमल विल फीड ऑन द प्लांट एंड ऑब्टेन फॉस्फोरस। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई दे आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया रिलीजिंग फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 34। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स
आर रीजन्स विथ, आंसर हमारा डी है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म एंड हाई लेवल्स ऑफ स्पीसीज रिचनेस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर रीजन विथ हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म एंड हाई लेवल्स ऑफ स्पीसीज रिचनेस। दे हैव बीन सिलेक्टेड बाई कंजर्वेशनिस्ट्स एज दे आर शोइंग एक्सलरेटेड हैबिटेट लॉस। टोटल 34 सच बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 3 माइल आइलैंड इन डॉफिन काउंटी पेंसिल्वेनिया यूएसए इज नोन फॉर। आंसर होगा बी, इट्स मेल्ट डाउन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर काउजिंग मासिव रेडिएशन लीकेज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑन मार्च 28, 1979 देयर वॉज अ पार्शियल मेल्ट डाउन ऑफ द 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 2। ड्यू टू दिस मेनी रेडियो एक्टिव गैसेज एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन वेयर रिलीज इन द इन्वायरमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे। द सीक्वेंस ऑफ बेसिज ऑन अ पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज शोन। ठीक है, ए सेंस स्ट्रैंड पे ए है और एंटी सेंस स्ट्रैंड पर ए दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिज इन एमआरएन ट्रांसक्राइब फ्रॉम दिस सीक्वेंस। और सीक्वेंस पे क्या होगा एमआरएन ट्रांसक्राइब, तो हमारा आंसर होगा डी यू ए सी ए ए यू जी ए और सी सी ए। ठीक है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। द सेंस स्ट्रैंड इज द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट हैज द सेम सीक्वेंस एज द एमआरएनए। जो सेंस स्ट्रैंड पे जो रहेगा वही हमारा एमआरएनए का सीक्वेंस होगा, बस टी के जगह पे हमारा यू आ जाएगा। देख लेते हैं, तो व्हिच टेक्स प्लेस एंटी सेंस स्ट्रैंड एज इट्स टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन मेकिंग द एमआरएनए। एमआरएनए एंड डीएनए सेंस स्ट्रैंड हैव द सेम सीक्वेंस एक्सेप्ट फॉर द यू इन एमआरएनए एज आर रिप्ले एंड आर रिप्लेस्ड बाई टी इन डीएनए सेंस स्ट्रैंड। इफ द एंटी सेंस स्ट्रैंड सीक्वेंस इज दिस देन द एमआरएनए सीक्वेंस जो होगा वो ए हो जाएगा, बस टी के जगह पे ए के जगह पे यू आ जाए, बस रिवर्स हो जाएगा और टी के जगह पे यू आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज कन्वर्टेड इंटू एन एक्टिव फॉर्म। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉज ऑफ एक्टिवेटिंग द टॉक्सिन। ये तो बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आंसर हमारा डी है, एल्कलाइन कंडीशन ऑफ द गट। ठीक है, ये आप जानते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अ पर्सन इज इंजोर्ड इन अ एक्सीडेंट एंड देयर इज अ ब्लड स्प्रूटिंग आउट फ्रॉम हिज रिस्ट। द मोस्ट करेक्ट इंटरफेंस इज दैट, आंसर होगा ए, ही हैज एन इंजर्ड अर्टरी इंजर्ड हो रहा है इसलिए ज़्यादा ब्लड निकल रहा है। अर्टरीज आर थिक वाल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजन ब्लड अंडर हाई प्रेशर। द फ्लो ऑफ ब्लड इन अर्टरीज इज पल्सेटाइल, दस इंजरी टू अर्टरीज काउजेज स्पर्टिंग ऑफ ब्लड। वेन्स आर थिन वाल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंडर लो प्रेशर, सो इंजरी इन वेन्स काउजेज ऊजिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का फिगर दिया हुआ है टिश्यू का। विच टाइप ऑफ टिश्यू इज रिप्रेजेंटेड बाई द लेबल्स एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है होगा डी, ए जो है वो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है और बी जो है वो है मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम और सी जो है वो है क्या कंपाउंड एपिथेलियम है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, याद रखें। रीडिंग दे देते हैं एक्सप्लेनेशन का। ए जो है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। द गॉबलेट सेल्स स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम हैज द एबिलिटी टू रिलीज इट्स सेक्रेशन, इट इज फाउंड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम सेक्रेटिंग म्यूकस। बी जो है मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ए क्लस्टर ऑफ सेल्स रिलीज सेक्रेशन इनटू द डक्ट फॉर एग्जांपल इन द सलाइवरी ग्लैंड। और सी जो है कंपाउंड एपिथेलियम है, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स फॉर्मिंग अ थिक लेयर फाउंड इन स्किन डूइंग द जॉब ऑफ प्रोटेक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। विच ऑफ दीज स्टेजेज ऑफ माइटोसिस इज द शॉर्टेस्ट, आंसर होगा सी एनाफेज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द स्टेजेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इन माइटोसिस आर प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलोफेज।
प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस व्हाइल एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज. एनाफेज इज कैरेक्टराइज बाई स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड पुलिंग ऑफ क्रोमोजोम टुवार्ड्स द पोल. क्वेश्चन नंबर 41. इन द फिगर बिलो रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोजोम. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर. हमारा आंसर होगा बी, वन जो है सेंट्रोमियर है, दो टू जो है टेलोमियर है, एंड द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज होगा टू. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. सेंट्रोमियर इज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन फाउंड इन द क्रोमोजोम ऑफ डिवाइडिंग सेल्स. सेंट्रोमियर होल्ड्स द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर. ईच क्रोमैटिड जनरली हैव टू डीएनए, दस अ क्रोमोजोम ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स विल हैव फोर डीएनए. टेलोमियर इज द एंड ऑफ द टर्मिनल रीजन ऑफ अ क्रोमोजोम. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे. सेलेक्ट द ऑप्शन विथ फीचर्स दैट आर अप्लीकेबल फॉर अ कंपिटेटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन. हमारा आंसर यहाँ पे फर्स्ट है, बाइंड्स टू द एक्टिव साइट यस, चेंज शेप ऑफ द एंजाइम नो, सिमिलर शेप टू द सबस्ट्रेट यस, एंड रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर यस होगा. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल सर्ट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन एंड द केमिकल इज कॉल्ड एन इनहिबिटर. व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिसेम्बल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इट इज नोन एज कम्पिटिटिव इनहिबिटर. द इनहिबिटर बाइंड्स टू द एक्टिव साइट विदाउट चेंजिंग द एक्टिव साइट स्ट्रक्चर एंड अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, द फोटो माइक्रोग्राफ्स सो सेल्स इन वेरियस स्टेजेज ऑफ द सेल साइकिल. आइडेंटिफाई द स्टेज वेयर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस. तो हमारा आंसर जो होगा सी होगा करेक्ट आंसर. और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स. प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोमल मटेरियल्स. द क्रोमोजोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन. द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोजोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर विथ वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोजोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स. At the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously and the two daughter chromatids begin their migration towards the two opposite poles. 44 देखते हैं, which of these muscles are not involved in normal expiration as well as forceful inspiration. Answer हमारा होगा A, internal intercostal muscles. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल इंस्पायरेशन एज वेल एज फोर्सफुल इंस्पायरेशन. रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स कॉजेज नॉर्मल एक्सपायरेशन. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्सफुल एक्सपायरेशन. क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं. 90 में से 45 क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग बायो में. फटाफट देखते हैं. एक्सएनए इज लेबोरेटरी मेड न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, थियोरिटिकल क्वेश्चन है. मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन विच वन कंपोनेंट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय केमिकल एक्स. द केमिकल एक्स इज नॉट फाउंड इन नेचर. द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग आर नॉट चेंज्ड. विच ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ अ डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एक्स. आंसर होगा सी, 5 कार्बन सुगर. एक्सप्लेनेशन हमारा है, न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, 5 कार्बन सुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस. नाइट्रोजन बेस फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कोडिंग एज द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज बेस्ड ऑन दियर लेआउट. फॉस्फेट एक्ट्स एज द बैकबोन हेल्पिंग इन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स दैट इज न्यूक्लिक एसिड. तो ये हमारे 45 क्वेश्चन हो चुके हैं. अब 46 में है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ करेक्ट पेयर विथ रिस्पेक्ट टू PBr 332. आंसर हमारा बी होगा,
टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, बैम एच वन और सेल वन, ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में यहाँ फिगर गायब है, एनसीईआरटी का जो फिगर था पीबीआर 332 का। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीबीआर 332 एंड ऑल इट्स रिस्ट्रिक्शन साइट, आप एनसीईआरटी से देख लें, अगर यहाँ फिगर होगा तो दिखा दूंगा मैं, यहाँ तो दिया, हाँ दिया हुआ है, तो यही है, इट्स रिप्रेजेंट्स द पीबीआर 332 एंड इट्स रिस्ट्रिक्शन साइट दिया हुआ है इसका। यहाँ पे बैम एच वन हो गया, सेल एच हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स द मैच्योर एंथर एट द टाइम ऑफ डिहेसेंस हैज, आंसर होगा डी, टू लोब्स एंड टू पोलन सैक्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स एंथर हैज टू लोब्स एंड ईच लोब देयर आर टू पोलन सैक्स। When the anther matures, the sterile tissue between the two pollen sacs in each lobe degenerate. Thus, the two pollen sacs in one lobe fuse to form one pollen sac. Thus, at the time of dehiscence, anther has two lobes and two pollen sacs. Next question number 48. Select the incorrect statements regarding downstream processing from the one given below. आंसर हमारा ए है, वन टू और जो थ्री है वो सही है, ये गलत है, बाकी जो हमारा थर्ड है, इट हेल्प्स टू इंश्योर स्टेलाइल कंडीशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिजायर प्रोडक्ट, ये बिल्कुल सही है, बाकी जो फर्स्ट हैं द प्रोसेस अकर ड्यूरिंग द बायोसिंथेटिक प्रोसेस, गलत है। सेकेंड कह रहा है इट इज देयर टू फैसिलेट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट, गलत है। और फोर्थ जो है वो हमारा कलेक्शन ऑफ प्रोसेस इज टू इंश्योर द डिजायर प्रोडक्ट टू रेडी फॉर मार्केटिंग, ये भी गलत है। इस प्रश्न देख लेते हैं, द डिजायर प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट इज रेडी टू मार्केटिंग रेडिंग फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। वंस द बायोसिंथेटिक स्टेज हैज कंप्लीटेड द प्रोसेसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन विच आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा जो है वो करेक्ट है, तो हमारा सी जो है वो करेक्ट है, द राइज इन टेम्परेचर इज लीडिंग टू डिलीटरियस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड रिजल्टिंग इन ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस कॉल्ड एल नीनो इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सर्फेस ऑफ अर्थ हैव बीन अ चिली -18 डिग्री सेल्सियस रैदर दैन प्रेजेंट एवरेज ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन आ चुका है, -18 डिग्री सेल्सियस होता है विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस के। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ वाज इंक्रीज बाई 0.6 डिग्री सेल्सियस। एल नीनो क्लाइमेटिक इफेक्ट इज कॉज टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन। ड्यू टू दिस देयर इज हाई एयर प्रेशर इन द वेस्टर्न पैसिफिक एंड लो एयर प्रेशर इन ईस्टर्न पैसिफिक। द एरियाज क्लोज टू द वार्मर एरियाज गेट सीवियर रेनफॉल व्हाइल द एरियाज अवे मे हैव सीवियर ड्राउट कॉजिंग एन इम्बैलेंस इन क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 50 आते हैं, द टाइप ऑफ ओव्यूल डिपिक्टेड इन दिस डायग्राम इज, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इन सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल द ओव्यूल इज रोटेटेड बाई 360 डिग्री एंड इज कम्प्लीटेड सराउंडेड बाई फ्यूनिकुलस। इट इज सीन इन ओपुंसिया। इन कैम्पेलोट्रोपस ओव्यूल द बॉडी ऑफ ओव्यूल कर्व्ड सच दैट माइक्रोपैले एंड चलाजा आर नॉट प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट लाइन। द एम्ब्रियो सैक एंड न्यूसेलस बोथ आर प्रेजेंट इन अ कर्व्ड पोजिशन। इन एनाट्रोपस ओव्यूल द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कम्प्लीटली टर्नड एट 180 डिग्री एंगल। ड्यू टू द यूनिलैटरल ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकुलस इन्वर्टेड ओव्यूल द चलाजा एंड माइक्रोपाइल लाई इन स्ट्रेट लाइन। इन एम्फीट्रोपस ओव्यूल एम्ब्रियो सैक बिकम्स हॉर्सशू शेप्ड एंड माइक्रोपाइल बिकम्स क्लोज टू द हाइलम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 51 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एसिड प्रेजेंट इन लाइम। आंसर हमारा ए होगा, एस्परगिलस नाइगर अ फंगस। देख लेते एक्सप्लेनेशन, द एसिड विच इज प्रेजेंट इन लाइम इज सिट्रिक एसिड। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस एस्परगिलस नाइगर। इट इज ऑल्सो नोन एज द फंगस ऑफ सिट्रिक एसिड।
क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आंसर हमारा ए है टाइलिन, बाकी जो माल्टेज लैक्टेज और सुक्रोज जो है सारे सेम कैटेगरी में आते हैं। एक्सप्रेशन देख लेते हैं, टाइलिन सेलेवरी एमएलएज माल्टेज लैक्टेज एंड सुक्रोज एज आर ऑल डाइजेस्टिव इंजाइम्स। ठीक है, सेलेवरी एमएलएज एक्ट्स ऑन स्टार्च एंड गिव्स ओनली वन बाय प्रोडक्ट दैट इज माल्टोज। द इंजाइम्स माल्टेज लैक्टेज एंड सुक्रेज एक्ट्स ऑन माल्टोज लैक्टोज एंड सुक्रोज रिस्पेक्टिवली। माल्टोज लैक्टोज एंड सुक्रोज आर ब्रोकन अप बाय दीज इंजाइम्स टू प्रोड्यूस टू मॉलिकूल्स ऑफ ग्लूकोज, वन मॉलिकूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिकूल्स ऑफ गैलेक्टोज, वन मॉलिकूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिकूल्स ऑफ फ्रुक्टोज रिस्पेक्टिवली। हेंस ऑल इंजाइम्स एक्सेप्ट सेलेवरी एमएलएज गिव टू बाय प्रोडक्ट्स बाय एक्टिंग ऑन दियर सबस्ट्रेट एंड एक्ट एज डाइसैकेराइड्स, दस इट इज एन ऑड वन। क्वेश्चन नंबर 53, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फाइलम इन विच ओबेलिया इज प्लेस्ड। आंसर होगा डी, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विथ अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन ओस्कुलम। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग माउथ और हाइपोस्टोम डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। कंप्लीट द, एक मिनट इसमें एक देख लेते हैं, ये जो कैरेक्टर हमारा जो दिया हुआ सिलेंड्रेटा फाइलम का है, तो सिलेंड्रेटा ओबेलिया जो होता है सिलेंड्रेटा फाइलम में होता है और इसका कैरेक्टर दिया हुआ है, सिलेंड्रेटा का कैरेक्टर याद रहेगा तो ये हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक्स ए बी एंड सी फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो हमारा कह रहा है सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, नेमली एम्यूबॉइड सिलियरी एंड मस्कुलर। माइक्रोफेजेज एंड लिकोसाइट्स प्रेजेंट इन ब्लड एग्जिबिट ए मूवमेंट, ऑप्शन दिया हुआ है बी मूवमेंट इज सीन इन आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन एंड मूवमेंट ऑफ द लोअर लिम्स जॉर्जी टी सी। तो हम फिर इन द ब्लैंक्स पढ़ करके हम कर लेते हैं इसको क्वेश्चन को पूरा। तो हमारा आंसर जो है सी है, मतलब कि माइक्रोफेजेज एंड लिकोसाइट्स प्रेजेंट इन ब्लड एग्जिबिटेड अम्यूबॉइड मूवमेंट और सिलियरी मूवमेंट इज सीन इन आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स और मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स जॉर्ज इट इज रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। ये जो है हमारा मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर का, स्केलेटल सिस्टम का चैप्टर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हिंड ब्रेन, आइडेंटिफाई वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर रेफरिंग टू द गिवन टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर जो सी है वो सही है, ए ट्रू बी ट्रू फॉल्स फॉल्स, यानी कि ए जो है द हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ पॉन्स सेरेबेलम एंड मेडुला, बिल्कुल सही है। बी जो कह रहा है द सर्फेस ऑफ द सेरेबेलम इज द एक्सट्रीमली कॉन्वोल्यूटेड, ये भी सही है। और सी जो कह रहा है द मेडुला कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन, ये गलत है। और डी जो कह रहा है पॉन्स कंसिस्ट ऑफ सेंटर्स दैट कंट्रोल रिस्पायरेशन गैस्ट्रिक सिक्रेशन ईटीसी, ये हमारा गलत है। देख रहे थे एक्सप्लेनेशन क्या क्या है, द हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ पोन्स सेरेबेलम एंड मेडुला, द सर्फेस ऑफ द सेरेबेलम इज एक्सट्रीमली कन्वोल्यूटेड टू प्रोड्यूस एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स, पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स विच इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन, द मेडुला कंसिस्ट ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल रिस्पायरेशन गैस्ट्रिक सिक्रेशन ईटीसी। क्वेश्चन नंबर 56, वर्टिब्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्रेनिएट्स एज द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाई द ब्रेन बॉक्स। इन ह्यूमन्स द नंबर ऑफ बोन्स दैट फॉर्म द ब्रेन बॉक्स इज, आंसर हमारा बी होगा, टू पेयर्ड एंड फोर अनपेयर्ड बोन्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इन मैन इज कॉल्ड क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स, इट इज फॉर्म्ड बाई क्रेनियल बोन्स, दे आर एट इन नंबर, अ पेयर ऑफ टेम्पोरल बोन्स, अ पेयर ऑफ पेराइटल बोन्स, सिंगल फ्रंटल बोन, सिंगल ऑक्सीपिटल बोन, सिंगल स्फेनॉइड बोन एंड सिंगल एथमॉइड बोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, कह रहा है गिवन बिलो आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, अरेंज देम इन प्रॉपर सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्रॉपर सीक्वेंस में हमारा सी है, सबसे पहले थर्ड होगा उसके बाद वन टू तब फोर। तो थर्ड है कि बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन विद रिसेप्टर, उसके बाद वन फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स,
उसके बाद सेकंड यानी कि बायोकेमिकल चेंज इन द टारगेट सेल, उसके बाद फोर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द टारगेट सेल। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, पढ़ लेते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन आर एज फॉलोज। फर्स्ट, हार्मोन्स बाइंड टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर सिचुएटेड ऑन द टारगेट सेल। सेकेंड है, बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन्स टू रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स। और थर्ड जो कह रहा है, द हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स इंड्यूसेस सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेज इन द टारगेट सेल। और फोर्थ जो है, द अल्टीमेट इफेक्ट इज द जनरेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द टारगेट सेल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा है पर्सन हैज अंडरगोन वासेक्टोमी, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिम इज करेक्ट। आंसर है ए, हिज सीमन वोंट हैव एनी स्पर्म, सीमन में स्पर्म नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वासेक्टोमी इज कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ वास डिफरेंस, द टेस्टिस इज फुल्ली फंक्शनल एंड विल प्रोड्यूस स्पर्म्स, द सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट विल ऑल्सो प्रोड्यूस दियर सेक्रेशंस विच फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ सीमेन। एट द एंड ऑफ इंटरकोर्स दिस पर्सन विल रिलीज सीमेन विदाउट स्पर्म्स एज द स्पर्म्स कैनॉट रीच द इजैकुलेटरी डक्ट्स। ये क्वेश्चन तो लॉजिक से भी कर लेते हैं, वासेक्टोमी हो रहा था, सीमेन में स्पर्म क्यों आएगा, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है तो। 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। आंसर हमारा डी है, इट कंट्रोल्स ऑल मोटर एंड सेंसरी एक्टिविटीज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द सेरेब्रम, इट इज द पार्ट दैट हैज एरियाज फॉर कंट्रोलिंग ऑल मोटर एंड सेंसरी एक्टिविटीज एंड इंटर सेंसरी एसोसिएशंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे, रीड द स्टेटमेंट्स गिवेन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आंसर हमारा सी होगा, इरिथ्रोपोएटिन इज प्रोड्यूस्ड बाई जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट, आर्टेरियल नाइट्रेटिक फैक्टर ANF इज अ हार्मोन सेक्रेटेड बाई द आर्टेरियल वॉल ऑफ द हार्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। सेकेंड कह रहा है, गैस्ट्रीन एक्ट्स ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजेन। थर्ड है, इरिथ्रोपोएटिन इज प्रोड्यूस्ड बाई जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, इट स्टिमुलेट्स इरिथ्रोपोएसिस। और फोर्थ जो कह रहा है, सिस्टोकाइनी कोलेसिस्टोकाइनिन CCK एक्ट्स ऑन द पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लाडर एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक इंजाइम्स एंड बाइल जूस रिस्पेक्टिवली। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी इज कॉज्ड बाय। आंसर होगा सी, एन एजेंट कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। एकदम पैसिवली क्वेश्चन पूछ रहा है यार, देख लेते हैं, वायरोइड को ही ऐसा बोलते हैं। बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी और मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रियोन्स, विच आर प्रियोन्स है यहाँ पे, ओके, जो एन एजेंट कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन और प्रियोन्स को बोल रहा है, डायरेक्टली प्रियोन्स नहीं लिखा है, प्रियोन्स विच आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स दैट कैन ट्रांसमिट थ्री दियर एबनॉर्मली टू नॉर्मल प्रोटीन्स। आर एन ए विदाउट प्रोटीन कोट इज सीन इन वायरोइड, आर एन इज प्रोटीन कोट इज सीन इन प्लांट वायरसेस एंड सर्टेन एनिमल वायरसेज, ऑल इल डिफाइंड न्यूक्लियस विथ अ सेल वॉल इज सीन इन द बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन प्यूरिन इज। आंसर ए है, वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। N6 परफ्यूराइल अमाइन प्यूरिन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन कॉल्ड काइनेटिन, इट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA, इट इज नॉट नेचुरली फाउंड इन प्लांट्स, इट हैज साइटोकाइनिन एक्टिविटी एंड यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर अलॉन्ग विथ लो ऑक्सीजन टू प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेम इन कैलस। जीएटीन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क। क्वेश्चन नंबर 63, व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट यूडोरिना, ठीक है, यूडोरिना जो है वो लेटेस्ट एनसीईआरटी में करेक्शन किया हुआ है, अपडेट किया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और आ भी चुका है, ये आ भी चुका। बी है, इट इज एन ग्रीन अल्गा एंड इज एन आइसोगेमस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्लेमाइडोमोनस को हटा के वहाँ पे यूरोडीना किया हुआ है एनसीईआरटी में 11th में। यूरोडीना इज अ ग्रीन अल्गा बिलोंगिंग टू द
क्लास क्लोरोफाइसी, दियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू डी सिमिलर साइज गैमेट्स, हेंस दे आर एन आइसोगेमस है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। द एस्टिवेशन दैट मे बी सीन इन द सेपल्स ऑफ फैमिली पैपलियोनेडी इज, आंसर होगा बी इम्ब्रिकेट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फैमिली पैपलियोनेस पैपलियोनेडी ऑल्सो कॉल्ड फैबेसी हैज फाइव सेपल्स इन द कैलिक्स, मेनी मेंबर्स शो फ्यूज ऑन गैमोसेपल्स व्हाइल अदर्स मे शो वाल्वेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, दे हैव फाइव पेटल्स दैट शो वेक्सिलरी एक्सटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। व्हिच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन बोथ अ मोनोकॉट रूट एंड डाइकोट स्टेम, आंसर होगा सी पेरेन्काइमेटस पेरिसाइकल। ओके, देखते लेते एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन मोनोकोट रूट देयर इज अ सेंट्रल जोन ऑफ पेरेन्काइमेटा सेल विद इन द वैस्कुलर सिलेंडर, इट इज कॉल्ड द पीथ, पीथ इज ऑल्सो सीन इन द डाइकोट स्टेम इन बोथ मोनोकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम, देयर आर मोर देन सिक्स जाइलम बंडल्स एंड हेंस इट इज पॉली आर्क, बिटवीन द एपिडर्मिस एंड इनोडर्मिस इज द मल्टीपल लेयर ऑफ पेरेन्काइमेटा सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स इन बोथ मोनोकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम, पेरिसाइकल और द आउटर लेयर ऑफ द वैस्कुलर सिलेंडर इज पेरेन्काइमेटस इन मोनोकोट स्टेम व्हाइल इट इज स्क्लेरेन्काइमेटस इन डाइकोट स्टेम। क्वेश्चन नंबर 66। द प्रोटीनेसियस लेयर कॉल्ड पेलिकल एंड टू फ्लैजेला वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट आर सीन इन ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर, आंसर होगा सी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड आर फोटोसिंथेटिक एज वेल एज हेटरोट्रॉफिक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इग्लोनॉइड्स आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स दैट हैव अ प्रोटीनेसियस लेयर कॉल्ड पेलिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अ सेल वॉल, दे हैव वन पेयर ऑफ शॉर्ट एंड वन लार्ज फ्लैजेलम, दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड आर हेटरोट्रॉफिक इन एब्सेंस ऑफ लाइट, हेंस दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 67। सेलाजिनेला इज अ टेरिडोफाइट विच, आंसर ए होगा प्रोड्यूसेस माइक्रो एंड मैक्रो स्पोर्स, हैज स्ट्रॉबेली एंड बिलोंग्स टू द क्लास लाइकोप्सीडा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेलाजिनेला बिलोंग्स टू द क्लास लाइकोप्सीडा एंड इज हेट्रोस्पोरस सिंस इट प्रोड्यूसेस वन लार्ज स्पोर एंड वन स्मॉल स्पोर, दीज स्पोर्स आर बॉर्न ऑन स्पेशलाइज्ड लीव्स कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स विच फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉन्स कॉल्ड स्ट्रॉबेली। क्वेश्चन नंबर 68। द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द ओवरी ऑफ रोज एंड चाइना रोज इज, आंसर होगा डी चाइना रोज हैज रोज हैज सेमी इन्फीरियर ओवरी व्हाइल चाइना रोज हैज सुपीरियर ओवरी। इसमें से देख लेते हैं। रोज हैज पेरिगाइनस फ्लावर्स इन विच द गाइनोसियम इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड अदर होल वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर्स आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, दस इट हैज सेमी इन्फीरियर ओवरी। चाइना रोज हैज हाइपोगाइनस फ्लावर इन विच ऑल द फ्लोरल होल्स आर अटैच्ड बिलो द गाइनोसियम, दस इट हैज सुपीरियर ओवरी। क्वेश्चन नंबर 69। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द करेक्ट सिंबल फिलिंग द ब्लैंक्स ए एंड बी क्या होगा, तो हमारा जो आंसर है वो डी होगा। ए में ग्रेटर देन है, बी दोनों में ग्रेटर देन है। ठीक है, देख लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करके, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डायलूट सोल्यूशन। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहता है कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन का डायलूट सोल्यूशन से, और डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट ऑफ कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन जो है वो भी ज़्यादा होता है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट डीपीडी ऑफ डायलूट सोल्यूशन से। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन हैज मोर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड हेंस इट हैज अ हायर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड द सोल्यूशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, द डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट इज हायर इन द कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 70। व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, आंसर हमारा सी होगा। प्लास्टोसाइनिन डिनोट्स इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरोफिल ए 700 इन बोथ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एज वेल एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये हमारा एक्सप्लेनेशन रहा। ए इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन प्लास्टोसाइनिन डिनोट्स इलेक्ट्रॉन्स टू
क्लोरोफिल ए 700, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड बाई क्लोरोफिल ए 700 सेल्फ इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन टू प्लास्टोसाइनिन इन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू क्लोरोफिल ए 700, बट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड बाई क्लोरोफिल ए 680। क्वेश्चन नंबर 71, अ स्पेसिफिक हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अ डिजीज दैट इज कैरेक्टराइज बाई एक्सेसिव यूरिनेशन। द यूरिन एनालिसिस ऑफ सच अ पर्सन रिवील्स दैट द यूरिन इज डाइल्यूट, हैज हाई पीएच एंड एब्सेंस ऑफ शुगर इन इट। इट इज ड्यू टू अंडर सेक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम, आंसर हमारा बी, द ग्लैंड विच स्टोर्स द हाइपोथैलेमिक हार्मोन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज इंसिपिडस इन ह्यूमन इज वैसोप्रेसिन और एंटी डायबिटिक हार्मोन ADH। एन इम्पेयरमेंट ऑफ अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ ADH रिजल्ट्स इन द डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन। ADH इज रिलीज्ड बाय द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन सिक्रेटेड बाय द पोस्टेरियर पिट्यूटरी। द डिजीज इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। और इस टाइप का क्वेश्चन पहले मॉक टेस्ट में आ चुका है, तो देखते हैं। जो फर्स्ट जो है, लेबिया माइनोरा आर थिक फ्लेसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू दैट एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम मोन्स प्यूबस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, ये हमारा इनकरेक्ट है। और सेकेंड जो कह रहा है, मोन्स प्यूबस इज द कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाई स्किन एंड प्यूबिक हेयर, बिल्कुल सही है। थर्ड जो कह रहा है, द एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस और वर्जिनिटी, ये हमारा गलत है, जरूरी नहीं है, NCERT में इसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। फोर्थ आते हैं, द क्लाइटोरिस इज अ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट लाइज अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पूरा। फर्स्ट कह रहा है, लेबिया मेजोरा आर फ्लेसी, ये जो फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट करके बताया जा रहा है क्या होना चाहिए करेक्ट में। तो फर्स्ट में जो है जो करेक्ट होना चाहिए वो है, लेबिया मेजोरा आर फ्लेसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू दैट एक्सटेंड्स डाउन द मोन्स प्यूबस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट अंडर लेबिया मेजोरा। और थर्ड कह रहा है, ऑल्दो द हाइमेन इज यूजुअली ब्रोकन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, इट मे ऑल्सो ब्रेक एज अ रिजल्ट ऑफ सडन फॉल, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पोन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स साइकिलिंग ETC, हिंस द एबसेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस और वर्जिनिटी। अब आते क्वेश्चन नंबर 73 पे। अ पेशेंट ब्लड स्मियर शोज द फॉलोइंग पिक्चर, विच डिजीज इज द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, आंसर हमारा ए होगा, मलेरिया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्यों मलेरिया होगा। तो मलेरिया इज कॉज बाय प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम, इट मल्टीप्लाइज विद इन द RBC। ठीक है, द गिवन स्लाइड शोज प्लाज्मोडियम पैरासाइट विद इन द RBC में प्लाज्मोडियम पैरासाइट दिख रहा है, इसीलिए मलेरिया हो रहा है इसका आंसर। 74 देखते हैं, इन अ गोबर गैस प्लांट मिथेनोजेंस कन्वर्ट, आंसर होगा सी, एसिटिक एसिड इंटू मिथेन में कन्वर्ट करता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इन अ गोबर गैस प्लांट कम्प्लेक्स इनसोलुबल पॉलीमर्स आर कन्वर्टेड टू सिंपल सोलुबल मोनोमर्स विद द हेल्प ऑफ बैक्टेरियल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइक लाइपेजेज, सेलुलेजेज, प्रोटीएजेज, पेप्टिडेजेज ETC। एनएरोबिक माइक्रोब्स लाइक क्लोस्ट्रीडियम स्यूडोमोनास आर यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस, देन द सिंपल सोलुबल मोनोमर्स आर फर्दर कन्वर्टेड इंटू ऑर्गेनिक एसिड्स चीफली एसिडिक एसिड बाई एंजाइम्स ऑफ एसिडोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेंस आर बैक्टीरिया सच एज मिथेनोकोकस और मिथेनोबैसिलस कन्वर्ट ऑर्गेनिक एसिड्स सच एज एसिटिक एसिड इंटू मिथेन। क्वेश्चन नंबर 75, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इंटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, देन दिस इज कॉल्ड, आंसर होगा ए, रेडियल सिमेट्री। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इंटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, देन दिस इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, इट इज शोन बाय द इकाइनोडर्मेट्स, सिलिंड्रेट्स एंड टीनोफोर्स। क्वेश्चन नंबर 76, द
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आंसर हमारा सी है, ओमेन कंसीव्स ऑन द लेट ऑन द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हाइल सी बिकम प्रेग्नेंट अ वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये हमारा करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, दस वोमेन विल कंसीव व्हेन हैप्लॉयड मेल गैमेट फ्यूजेज विद द हैप्लॉयड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जायगोट इन द फेलोपियन ट्यूब। हाउ यूवर प्रेगनेंसी अकर व्हेन द ब्लास्टुला अंडरगोज इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस विच हैपन्स 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो गलत स्टेटमेंट है वो भी पढ़ लेते हैं। वोमेन कंसीव्स एज वेल एज बिकम्स प्रेगनेंट एट द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन गलत है। वोमेन कंसीव्स एज वेल एज बिकम प्रेगनेंट अबाउट अ वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन गलत है। अ वोमेन बिकम्स प्रेगनेंट ऑन द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हाइल सी बी कंसीव्स अ वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 77। अ कपल हैज अ नॉर्मल विजन ऑल दो बोथ ऑफ दियर फादर्स आर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन द फॉलोइंग केसेस? आंसर होगा फर्स्ट जो है वो बताना है, इसका ये प्रोबेबिलिटी बताना है। फर्स्ट नॉर्मल जो सन होगा वो 1/4 होगा, कैरियर डॉक्टर जो होगा 1/4 होगा, और थर्ड जो कलर ब्लाइंड सन जो होगा वो भी 1/4 होगा, और अ कलर ब्लाइंड डॉटर जो होगा वो 0 होगा क्योंकि कैरियर सारे होंगे। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। मदर इज अ कैरियर बिकॉज ऑफ हर फादर इज कलर ब्लाइंड एंड फादर इज नॉर्मल, दस दियर जीनोटाइप एक्स सी एक्स एंड एक्स वाई रिस्पेक्टिवली। सो द प्रोबेबिलिटी दैट दियर फर्स्ट चाइल्ड विल बी ए नॉर्मल सन इज इक्वल टू 1/4, अ कैरियर डॉटर इज इक्वल टू 1/4, अ कलर ब्लाइंड सन इक्वल टू 1/4, अ कलर ब्लाइंड डॉटर इक्वल टू 0। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन थ्रू दियर फादर्स वेयर कलर ब्लाइंड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दियर डॉटर बिकमिंग कलर ब्लाइंड इज 0%। द चांसेस ऑफ द डॉटर बिकमिंग कलर ब्लाइंड अराइज ओनली व्हेन द फादर इज ऑल्सो कलर ब्लाइंड। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। LNG20 इज हॉर्मोन रिलीजिंग IUD, इट इज कॉल्ड LNG20 बिकॉज। आंसर होगा सी, इट रिलीजेज लेवोनोजेस्ट्रॉल अ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। प्रश्न देख लेते हैं। LNG20 इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी विच रिलीज अ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन कॉल्ड लिवोनोर्जेस्ट्रॉल एट द रेट ऑफ 20 माइक्रोग्राम्स पर डे। इट इज इफेक्टिव फॉर 4 to 7 ईयर्स। ओके, अच्छा इसका मैंने ट्रिक भी बना रखा है अपने चैनल पे। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी का, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी में दो आते हैं, एक आता है LNG20 जो दिया हुआ है, और एक आता है प्रोजेस्टासर्ट। इसको याद करने में अगर कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। LNG20 है ल्यूटिनाइजिंग तरह से, ल्यूटिनाइजिंग तरह से यहाँ पे प्रोनन्सिएट हो रहा है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और प्रोजेस्टासर्ट प्रोजेस्टेरोन की तरह से प्रोनन्सिएट हो रहा है, तो इसको प्रोजेस्टेरोन से वो भी हार्मोन है, तो आपसे याद रख सकते हैं प्रोजेस्टासर्ट और LNG20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अक्वायर्ड इम्यूनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर हमारा हो जाएगा डी, 2 और जो 4 है वो करेक्ट हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। तो 2 और 4 देख लेते हैं। 2 कह रहा है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन आर ब्लड, और जो 4 कह रहा है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज मेडिएटेड बाई टी लिम्फोसाइट, और जो इनकरेक्ट ऑप्शन जो है 1 और जो थर्ड है वो देख लेते हैं। अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप इम्यूनिटी, गलत है, स्पेसिफिक होता है। और जो थर्ड कह रहा है ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 2 स्मॉल हैवी चेन्स एंड 2 लॉन्गर लाइट चेन्स रेस्पिरेटरी, ये भी गलत है। देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन क्यों गलत है। फर्स्ट जो कह रहा है अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज हाईली पैथोजन स्पेसिफिक होता है, इट हैज़ अ मेमोरी, इट प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑन द ऑन इट्स इनकाउंटर विद द पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी, ऑन सब्सिक्वेंट इनकाउंटर इट प्रोड्यूसेस अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स ऑफ हायर इंटेंसिटी। और जो थर्ड कह रहा है ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दे आर 2 स्मॉल लाइट चेन एंड 2 लॉन्गर हैवी चेन रिस्पेक्टिवली होता है। क्वेश्चन नंबर 80 आते हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं बायो में, फटाफट देखते हैं। द ग्लांस पेनिस इज मेड अप ऑफ, आंसर होगा ए कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस कैवर्नोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पस कैवर्नोसम, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसम एंड 1 कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये गलत है। आंसर होगा ए कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। देखते एक्सप्लेनेशन। द पेनिस इज मेड अप ऑफ 3 इरेक्टाइल टिश्यू, अ पेयर ऑफ डोर्सो लेटरल
corpora cavernosa and a single ventral corpus spongiosum. The urethra passes through a corpus spongiosum, and hence that part is called a spongiourethra. The glans penis is made up of only corpus spongiosum. Question number 81 देखते हैं. Which of the following is the correct description of the bacterium given below? आंसर हमारा ये होगा Amphitrichus spirillum. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. डायग्राम्स वो जो स्पायरल बैक्टीरिया हैंस दे आर स्पायरिला. दे हैव अ ब्रंच ऑफ फ्लैजेला ऑन आइदर साइड हैंस दे आर एम्फीट्राइकस. दोनों साइड है तो एम्फीट्राइकस हो गया. दे एम्फी मतलब वो साइड होता है. ट्राइकोलॉजी यानी स्टडी ऑफ हेयर होता है तो उसी से हेयर लाइक अपीयरेंस इसीलिए बोला जा रहा है. द प्रेजेंस ऑफ सिंगल फ्लैजेला मीन मोनोट्राइकस. प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला ऑल ओवर द बॉडी इज पेरिट्राइकस. और प्रेजेंस ऑफ टू और मोर फ्लैजेला अटैच्ड एट वन एंड इज सिफेलोट्राइकस कंडीशन. विब्रियो इज कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 82. इन अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ प्रोटोजाइलम इज सिचुएटेड टुवार्ड्स द फर्स्ट सरफेस एंड प्रोटोफ्लोएम टुवार्ड्स द सेकेंड सरफेस इन द वैस्कुलर बंडल. हमारा आंसर होगा डी एड एक्सियल एंड सेकेंड जो होगा बस ये है. इसको पढ़कर देख लेते हैं. इन अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ प्रोटोजाइलम इज सिचुएटेड टुवार्ड्स द एडेक्सियल सरफेस एंड द प्रोटोफ्लोएम टुवार्ड्स द एडेक्सियल सरफेस इन द वैस्कुलर बंडल. और ये रहा डायग्राम और ये बताया गया है पूरा लेबलिंग करके. देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है. इन अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ प्रोटोजाइलम इज सिचुएटेड टुवार्ड्स द अपर सर्फेस एडेक्सियल सर्फेस एंड प्रोटोफ्लोएम टुवार्ड्स द लोअर सर्फेस एडेक्सियल सर्फेस इन द वैस्कुलर बंडल. द एडेक्सियल सर्फेस इज द अपर सर्फेस ऑफ द लीफ वेयर एज द एडेक्सियल सर्फेस इज द लोअर सर्फेस. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पे. व्हिच ऑफ दीज आर फॉल्स स्टेटमेंट. अगर आपको वीडियो अच्छा आ रहा है तो जरूर लाइक करना यार. प्लीज लाइक करना, ऐसे ही मत जाना. वीडियो को शेयर जरूर करना और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पे. व्हिच ऑफ दीज आर फॉल्स स्टेटमेंट्स अबाउट कैल्शियम. कैल्शियम के लिए कौन सा फॉल्स है तो हमारा जो सेकेंड और फोर्थ जो है वो फॉल्स है. फॉल्स दिख सकते हैं क्या कह रहा है. ईट एक्युमुलेट्स इन यंगर लीव्स. बिल्कुल गलत है. एक्युमुलेट नहीं होता है यंगर लीव में. फोर जो कह रहा है ईट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजंस. नहीं, जिंक होता है. तो जो सही है वो देख लेते हैं. इट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. बिल्कुल सही. कैल्शियम पैक्टेट को फॉर्मेशन में होता हेल्प करता है कैल्शियम. और जो कह रहा है जो थर्ड जो है स्टेटमेंट सही है. स्पिंडल फाइबर कैन नॉट बी फॉर्म विदाउट इट. बिल्कुल सही. दैट एक्सप्लेनेशन क्या है. कैल्शियम इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल एज कैल्शियम पैक्टिनेट इन द मिडिल लैमिला. इट is also required by dividing cells as it helps in the formation of spindle fibers. It is an immobile element and is accumulated in old leaves. Zinc is required for synthesis of auxins. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे. मैक्सिमम यहाँ पे हम P और Q लगाकर बोल देते हैं. ठीक है, आंसर हमारा C है. P जो है ब्लू लाइट है और Q जो है रेड लाइट है. तो पढ़ लेते हैं P और Q करके. मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए इज सीन इन ब्लू लाइट एंड मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज सीन इन ब्लू लाइट. द करेक्ट वर्ड्स हो गया हमारा. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. इफ वी ऑब्जर्व द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए देयर इज अ लार्ज पीक इन द ब्लू ग्रीन ब्लू रीजन व्हाइल अ स्मॉलर पीक इन द रेड रीजन. Thus, maximum absorption by chlorophyll A is seen in the blue light. If we observe the action spectrum, we see that the maximum rate of photosynthesis is seen in red light. Thus, red light is better for photosynthesis. Question number 85 पे आते हैं. पांच क्वेश्चन और बचे हैं. फटाफट करते हैं. In guava plant A, leaves show opposite phyllotaxy while flowers are epigynous. इसका मैंने ट्रिक भी बना रखा है फाइलोटैक्सी का भी और ये जो है इपीगाइनस हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस का भी मैंने बना रखा है. इसका गुआभा का यहाँ पर टिक जो ट्रिक है वो है इपीगुकू मैंने बनाया रखा है और जो फाइलोटैक्सी का जो है ऑपोजिट है मैंने बनाया था. इसका जो ट्रिक है वो है
काला और गोरा दोनों अपोजिट होते हैं, तो काला से हो गया कैलोट्रॉपिस और गोरा से हो गया गवाभा, और दोनों होते हैं अपोजिट, यानी अपोजिट फैलेटक्सी। और इसका अगर पूरा सारा जो देखना है अपोजिट का, अल्टरनेट का और फिर एस्टोनिया का, वो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो इसमें से देख लेते हैं, इन गुआवा देयर आर टू लीव्स प्रेजेंट एट नोड, दस इट शोज द अपोजिट फैलोटैक्सी। इन गुआवा ऑल द होल्स ऑफ अ फ्लावर अटैच्ड अबव द गैनेशियम, दस इट हैज एपिगाइनस फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, हाउ मेनी NADPH2 एंड ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल TCA साइकिल। आंसर होगा सी, 0 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। देखते हैं एक्सप्लेनेशन, ट्राई कार्बोनेट एसिड साइकिल और केव साइकिल अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इन दिस एसिटाइल को ए कंबाइंस विद एसिटिक एसिड इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस टू रीजनरेट ओजेलो एसिटिक एसिड। इन दिस साइकिल 3 NADH2, 1 FADH2 एंड 1 ATP आर फॉर्म्ड। NADPH2 इज नॉट फॉर्म्ड इन द क्रेब साइकिल। क्वेश्चन नंबर 87, व्हिच द फॉलोइंग ऑप्शन शोज अ पेयर ऑफ एंटागोनिस्ट फाइटो हॉर्मोन्स विथ रिस्पेक्ट टू द गिवेन फीचर। आंसर होगा सी, सीड जर्मिनेशन। जिबरेलिन से एंटागोनिस्ट टू एब्सिसिक एसिड होता है। और देख लेते एक्सप्लेनेशन, बोथ ऑक्सीजन एंड जिबरेलिन कैन प्रोमोट पार्थेनोकार्पी, बोथ इथालिन एंड एब्सिसिक एसिड प्रोमोट एब्सिजन, बोथ जिबरेलिन एंड साइटोकिन डिले सेंसेस, हाउ एवर जिबरेलिन प्रोमोट सीड जर्मिनेशन व्हाइल द एब्सिसिक एसिड इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, दस दे आर एंटागोनिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 88, अरेंज दीज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट्स यूज्ड इन एरोबिक रिस्पायरेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिस्पायरेटरी क्वेश्चंस। आंसर होगा डी, ट्राइपारमेटीन, उसके बाद प्रोटीन, देन ग्लूकोज, उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड। ये जो ट्राइपारमेटीन है वो क्वेश्चन आ चुका है नीट में, उसका रिस्पायरेटरी क्वेश्चन कितना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, द रिस्पायरेटरी क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन द रिस्पायरेशन। क्वेश्चन या जो इफिशियंसी होता है वो होता है आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। तो इसका याद रखने का यही ट्रिक है। तो आउटपुट क्या होता है, हम लोग CO2 बाहर छोड़ते हैं तो या सेलुलर रिस्पायरेशन में CO2 बाहर निकलता है, यानी आउटपुट हो गया। इनपुट क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो इनपुट O2 नीचे हो जाएगा, तो आउटपुट और इनपुट यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक क्वेश्चन में। द रिस्पायरेटरी क्वेश्चन ऑफ ट्राईपारमिटिन जो फैटी एसिड होता है वो 0.7 होता है, वो ये आ चुका है। एंड दैट इफ प्रोटीन इज 0.9, ग्लूकोज इज 1 एंड ऑक्जेलिक एसिड इज 4 ड्यूरिंग दियर एरोबिक रिस्पायरेशन। क्वेश्चन नंबर 89, इन एस्परगिलस ये है द सेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इंडोजिनसली व्हाइल द ए सेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्जोजिनसली। आंसर हमारा ये रहा, और हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन, एस्परगिलस बिलोंग्स टू द ग्रुप एस्कोमाइसिटीज, इन देम देयर आर स्पेशल माइसिलिया कॉल्ड कोनिडियोफोर्स, दे प्रोड्यूस ए सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया एक्जोजिनसली, दे हैव सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्काई, विद इन द स्काई सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एस्को स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इंडोजेनसली। क्वेश्चन नंबर 90 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी, उसके बाद देखेंगे केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स पे आएंगे। तो फटाफट देखते हैं 90 क्वेश्चन नंबर, व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन फॉर प्रोपेगेशन इज सीन इन जिंजर एंड बनाना। तो आंसर हमारा सी है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर फूड स्टोरेज, जिंजर और बनाना में राइजोम इसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है मॉक टेस्ट में, पिछले मॉक टेस्ट में आ चुका है। राइजोम इज हॉरिजेंटल, सॉरी, राइजोम इज हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड प्लांट स्टेम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द शूट एंड रूट सिस्टम्स ऑफ अ न्यू प्लांट। राइजोम्स आर यूज टू स्टोर स्टार्चेज एंड प्रोटीन्स, जिंजर बनाना टर्मरिक ETC। ओके, तो ये रहा हमारा बायो का, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अब आते हैं केमिस्ट्री पे, तो हमारा केमिस्ट्री रहा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। सब्सटेंस यूज फॉर ब्रिंगिंग डाउन टेम्परेचर इन हाई फीवर इज कॉल्ड, आंसर होता है बी, एंटी पायरेटिक्स। पायरेक्सिया मतलब होता है हीट और एंटी मतलब उसका अपोजिट। इट इज एंटी पायरेटिक दैट इज ड्रग विच रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ फीवरिश ऑर्गेनिज्म टू नॉर्मल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे,
डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एटम इन, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो हमारा इनकम्प्लीट है, चलो बाद में इसका वीडियो बना लेंगे अगर क्वेश्चन मिलेगा तो। ऑक्सीडेशन स्टेट का है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो एक समान के बनाते हैं तो सिंपली निकाल सकते हैं आप। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे, द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन द फिगर बिलो इच, इक्वेशन ऑफ फोर द रिएक्शन इन द फिगर, ठीक है। तो ये दिया हुआ फिगर और कह रहा है एट इंस्टेंट 3 मिनट व्हाट चेंजेज वाज इम्पोज्ड इनटू द इक्विलिब्रियम, आंसर होगा बी टेम्परेचर वाज इंक्रीज हो रहा है। और देख लेते हैं एक्सप्रेशन क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज फेवर्स इंडोथर्मिक रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज एच आई इंक्रीजेज आई टू एंड एच टू डिक्रीज, इंक्रीज इन प्रेशर हैज नो इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द एलिमेंट्स हैविंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट्स अमॉन्ग द मेम्बर्स ऑफ ग्रुप 13 आर रिस्पेक्टिवली, आंसर है सी बोरोन एंड गैलियम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इन ग्रुप 13 डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बट द ट्रेंड इज नॉट रेगुलर, बोरोन हैज द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट स्ट्रक्चर, गैलियम हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है 29.8 केल्विन ही होता है एंड देयरफॉर कुड एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, अ सॉल्यूशन व्हिच इज 10^-3 m ईच इज Mn2+Fe2+ Zn2+ एंड Hg2+ सैचुरेटेड विथ 10^-16 m सल्फाइड आयन इफ के एस पी ऑफ MnS, FeS, ZnS एंड HgS आर 10^-13, 10^-18 और 10^-24 एंड 10^-53 रिस्पेक्टिवली, विच वन विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, आंसर होगा सी HgS होगा। देख लेते एक्सप्लेनेशन, H2- नीड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ, यहाँ पे थोड़ा छूटा हुआ है एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे 10, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन वो छूटा हुआ है, 10 मिनिमम H2- फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ HgS इट विल बी प्रेसिपिटेट फर्स्ट, इसका हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसके बाद बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम, इसमें तो बहुत सारा छूटा हुआ यार, कैसे होगा काम चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी छूटा हुआ था हमारा, केमिकल रिलेटेड से क्वेश्चन था, ठीक है देखते हैं फटाफट आगे अगर रहेगा तो वीडियो को बंद करना पड़ेगा और फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए अलग बनाना पड़ेगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ हमारा, द रिएजेंट नीडेड फॉर कन्वर्टिंग इज, तो ये हमारा डिक्शन दिया हुआ है pH C(CH) दिया हुआ है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट होकर डबल बॉन्ड हो जा रहा है और हाइड्रोजन हो रहा है, यानी कि एक तरह से हाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो ऐसा हमारा सी है लिथियम और NH3 के प्रेजेंस में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, लिथियम एंड NH3 इज यूज्ड फॉर एडिंग ट्रांस हाइड्रोजन, ठीक है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम NH3 द रिडक्शन ऑफ अल्कीन इज थ्रू एंटी एडिशन होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट में, ये भी हमारा जो है वो नहीं आया, यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन था, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनिशियली एट STP इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टू ट्वाइस द इनिशियल टेम्परेचर फॉर द प्रोसेस W एंड Q विल बी, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इनिशियली एट STP इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ ट्वाइस इनिशियल टेम्परेचर, तो यहाँ पे हमारा ये भी यहाँ पे नहीं है, एक मिनट हम देखते हैं यहाँ पे,
ओके, तो हमारा यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो छूटा हुआ था देख लेते हैं। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एटम इन Rb4Na(HV10O28) था। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा होगा वो डी होगा, +5। ओके, और इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो ये है, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ भी इज ए, देन यहाँ पे सारा पुट करेंगे, 4 × 1 चार यहाँ पे आ भी था, तो फिर 1 जो सोडियम का है वो पुट करेंगे, सारा पुट करके यहाँ पे भी जो है वो 10 × 1 करेंगे, उसके बाद 28 है, 28 × -2 करेंगे ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पे ये जो मेरा मिल के निकल के आ जाएगा वो +5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो था हमने देख लिया था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो भी हमने देख लिया था, क्वेश्चन 5 भी हो गया था हम लोग का, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमने नहीं देखा था, ठीक है। तो एक यहाँ एक्सप्लेनेशन ये है, H2- नीड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ FeS इक्वल टू जो हो जाएगा वो 10⁻¹⁸, 10⁻¹⁸/3, 10⁻³, तो 10⁻¹⁵ आया था, उस तरह से Mn से करेंगे तो 10⁻¹³/10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि चार सारे में सही सेम है ना, Mn2+ भी चार है ये है। तो फिर उसके बाद HGS का 10⁻¹⁷/-3 हो जाएगा, तो -10⁻¹⁵ आ जाएगा। JDNX का आ जाएगा 10⁻²/10⁻³, यानी कि 10⁻²/1 हो जाएगा। दस मिनिमम H2- प्रेसिपिटेशन इज फॉर HGS, इट विल बी प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट, जो जिसका मिनिमम रहेगा वो जल्दी प्रेसिपिटेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 था, फॉर द गिवन रिएक्शन A+B गिव्स प्रोडक्ट, फॉलोइंग डेटा आर, ठीक है। ए नॉट का इनिशियल कंसंट्रेशन, बी नॉट का दिया हुआ है और इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारा जो रेट कांस्टेंट जो होगा हमारा आंसर ये होगा 0.5/s। हम यहाँ ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे जो रेट लॉ एक्सप्रेशन यहाँ ये पुट करेंगे, रेट इक्वल टू K×X×BY होता है, इस इक्वेशन पे हम सारा वैल्यू पुट करेंगे। पहला का जो रेट दिया हुआ है 0.05 दिया हुआ है, यहाँ पे इनिशियल, यहाँ पे रेट होना चाहिए, यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है लास्ट में जो ml/s, वहाँ पे करेक्शन होगा, वहाँ पे रेट होगा, तो यहाँ पर रेट भी पुट करेंगे, फर्स्ट में जो ए और बी का जो वैल्यू हुआ वो देंगे, सेकंड में भी वही करेंगे, यहाँ पे तीन तीन कॉलम थे, तीनों को यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद हम इक्वेशन अगर पुट करके हम बनाएंगे तो यहाँ पे मेरा K=0.5/s आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, द रिएजेंट नीडेड फॉर कन्वर्टिंग PHC BBB, ये हम लोग देख लिए थे। तो नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस सी भी दिया हुआ है, 20 J/K/mol इनिशियली एट STP इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टू ट्वाइस द इनिशियल टेम्परेचर फॉर द प्रोसेस W एंड Q विल बी, तो आंसर हमारा ए आएगा, और W=0 और Q=5.46 kJ/mol किलो जूल आएगा। इससे एक्सप्रेशन होगा, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनिशियली एट STP इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टू ट्वाइस द इनिशियल टेम्परेचर, देयर फॉर जो W जो हमारा होगा वो −P∆V हो जाएगा, और −P×∆V जो हमारा है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है इसलिए 0 हो जाएगा, ∆V =0 हो जाएगा, और Q जो होता है CV×∆T होता है, तो CV का वैल्यू यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 20×∆T जो हमारा यहाँ पे है STP पे कह रहा है 273 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा निकल के आता है 4,5460 J = 5.46 kJ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, द टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर द कम्प्लेक्स क्या होगा, तो यहाँ पे एक कम्प्लेक्स दिया हुआ है, RHCl CO PPS3 NS3, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन, आंसर हमारा सी होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द RH+ विल फॉर्म अ स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स MABCD, यानी कि चारों अलग अलग हैं लाइगेंड्स, कम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर, सो इट विल हैव 3 geometrical isomers, ये तीनों जियोमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा एक कॉलम है, एक कॉलम को जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO3, H2SO4 एंड H2H2O7 क्या होगा, आंसर हमारा बी होगा, H2H2O7, उसके बाद H2SO4, उसके बाद H2SO3 होगा, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स।
ये है हमारा एक्सप्लेनेशन, सबका सबका स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि H2S2O7 का सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे चार चार डबल बॉन्ड है। उसके बाद H2SO4 में दो दो डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे H2SO3 में एक ही डबल बॉन्ड है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ क्लोराइड्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द चार्ज ऑन क्लोराइडल पार्टिकल्स? आंसर होगा डी, टिंडल इफेक्ट। ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, नेट में आ चुका है, क्योंकि जो टिंडल इफेक्ट है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे होता है, नॉट ड्यू टू चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन अ क्लोज्ड फ्लास्क ऑफ 5 लीटर्स 1.0 ग्राम ऑफ H2 इज हीटेड फ्रॉम 300 टू 600 केल्विन, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आंसर हमारा ए होगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो हो रहा है वो इंक्रीज करेगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इन अ क्लोज्ड वेसल फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस द नंबर ऑफ जो जो मोल्स है वो कांस्टेंट होगा, इसलिए ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट होगा। बी जो है वो द रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा। बी सी कह रहा है एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। और डी कह रहा है प्रेशर ऑफ द गैस ऑल्सो इंक्रीज करेगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड क्या होगा? ये हमारा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है नोमेनक्लेचर का, तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, इथाइल और ब्रैकेट में 3-methyl-butyl-3-in-O8 होगा। एक्सप्लेनेशन ये है, 1, 2, 3, 4 को क्या क्या बोलते हैं ये बताया हुआ है यहाँ पे नोमेनक्लेचर से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट प्रोडक्ट्स ईच आर ऑब्टेंड व्हेन 2-bromobutane अंडरगोज एन एलिमिनेशन रिएक्शन विद अ स्ट्रॉन्ग बेस? तो इसका आंसर होगा सी, 1-butene एंड 2-butene विथ मोर 1-butene होगा इसका आंसर। ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे कर रहे हैं तो इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन हॉफमैन अल्केन इज मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन का ये क्वेश्चन है हमारा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे। द रेडियस ऑफ Al3+ एटॉमिक नंबर ऑफ Al=57 इज 1.06 एंगस्ट्रम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज विल बी क्लोजेस्ट टू द रेडियस ऑफ Al3+ एटॉमिक नंबर ऑफ Al=71? इसका आंसर है डी, 0.85 एंगस्ट्रम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन द आयनिक रेडियाई ऑफ Al3+ लैंथेनाइड आयंस डिक्रीजेज फ्रॉम Al3+ टू Al3+, दस द लोवेस्ट वैल्यू हियर 0.85 एंगस्ट्रम इज द आयनिक रेडियस ऑफ Al3+। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अल्कोहल्स रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म, आंसर होगा ए, अल्केन्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द कंपाउंड विच हैज एसिडिक हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव अल्केन, इसलिए जो अल्कोहल हैज एसिडिक एच, सो द रिएक्शन क्या होगा? ये हमारा इससे मैकेनिज्म दिया हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है, ROH हो रहा है, यहाँ पे अटैक करेगा, R जो है माइनस डेल्टा होगा, डेल्टा चार्ज होगा, इस पर प्लस डेल्टा चार्ज होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन RO RH हो जाएगा, और ये जो है Mg जो है वो यहाँ पे RO के साथ हो जाएगा अटैच। तो R जो Mg है वो RH के साथ हो जाएगा, और Mg जो है XOR बन जाएगा, यानी अल्केन फॉर्म कर लेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज कंटेंस टू फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोपैरेनोज विच आर, आंसर हमारा होगा बी, एनोमर्स। जो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरेनोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरेनोज आर एनोमर्स, अ पेयर ऑफ स्टीरियोमर्स विच डिफर इन कन्फिग्रेशन ओनली अराउंड फर्स्ट कार्बन एटम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक 0.20 एन सॉल्यूशन फ्रॉम 1600 ml ऑफ 0.2050 एन सॉल्यूशन, ऐसा हमारा बी होगा, 40 ml। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एम इक्विवेलेंट ऑफ कंसनट्रेटर सॉल्यूशन इक्वल टू जो है 1600 0.2050 = 328 आ जाएगा। उसके बाद लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर
आफ्टर डालूशन इज वी एम एल हो जाएगा। अब मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 0.20 इंटू वी हो जाएगा। अब इक्वेट अगर करेंगे तो 328 इक्वल टू 0.20 इंटू वी हो जाएगा। सो मिली इक्विवेलेंट डज नॉट चेंज ऑन डायलूशन पे, मिली इक्विवेलेंट चेंज नहीं करता, इसलिए वी इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो 6640 एम एल हो जाएगा। अब कह रहा है 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज टू प्रिपेयर 1640 एम एल ऑफ 0.20 एन सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो उसे माइनस कर देंगे 1640 माइनस 1600 जो पहले का दिया हुआ है वो कर देंगे तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 40 एम एल। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन बाय पैलेडियम इज नोन एज, आंसर हो जाएगा डी ऑक्लूडेड हो जाएगा। ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन है। एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम इज ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्रोमैटोग्राफी वाज डिस्कवर्ड बाय, इसका आंसर है डी स्वेट, टी यहाँ पे साइलेंट है। क्रोमैटोग्राफी वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड इन रशिया बाय द इटालियन बॉर्न साइंटिस्ट माइकल स्वेट इन 1900, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बॉन्डिंग बिटवीन द टू कार्बन एटम्स, हमारा आंसर ए होगा। ए सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन अ पाई बॉन्ड, बिल्कुल गलत है, पाई बॉन्ड जो होते हैं वीक होते हैं। असिग्मा बॉन्ड बी जो ऑप्शन है, असिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉगर देन पाई बॉन्ड सही है, और डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉगर देन अ सिंगल बॉन्ड बिल्कुल सही है, डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन अ सिंगल बॉन्ड बिल्कुल सही है। इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम्ड रिएक्शन इज नॉट यूज फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ सी डब्ल्यू एच ग्रुप, आंसर हमारा हो जाएगा डी नन ऑफ दीज, यानी कि COCWH यानी कि एसिड ग्रुप को इंट्रोडक्शन में कोई भी यूज नहीं होता है, ना कनिजारो होता है, ना बेंजालिक एसिड रीअरेंजमेंट होता है, और ना ही आयोडोफॉर्म रिएक्शन होता है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, ये है हमारा सारा जो है वो एनसीईआरटी का सारा मैकेनिज्म है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स अ ग्रुप ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन कौन होगा, तो हमारा आंसर होगा सी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काउंट करके यहाँ बना सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बाय कलेक्टिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच स्पीसीज गिवन हियर आर गेट, ये हो जाएगा सब, ये हो जाएगा सी एन माइनस 14 आ जाता है, एन टू भी आ जाता है 14, ऑटो 2 माइनस 18 और सी टू 2 माइनस जो होता है 14 आता है। तो यहाँ पर करके कैलकुलेशन करके हम लोग पाते हैं कि जो हमारा जो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, सब में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन वीकली एसिडिक मीडियम गिव्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, जो एनिलीन जो है उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन अगर वीकली एसिडिक मीडियम में करेंगे नाइट्रोबेंजीन को तो हम वो एनिलीन दे देगा। ये हमारा एक्सप्लेनेशन रहा C6H5NO2 यानी नाइट्रोबेंजीन को हम इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन वीकली मीडियम में कर रहे हैं तो हमारा एनिलीन बन जा रहा है C6H5NH2, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, फोर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन फिजिकल का क्वेश्चन है, ए गिव्स बी प्लस सी, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए 0.1 m, इफ ए जो है इक्वल टू 0.8 m आफ्टर 10 मिनट्स, देन इट्स हाफ लाइफ ऑन कंप्लीशन टाइम आर रिस्पेक्टिवली क्या होगा, तो ये केमिकल कंडक्शन क्वेश्चन, हमारा आंसर होगा बी 20 मिनट्स और 50 मिनट्स होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो जीरो ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी होता है, सो हमारा के क्या हो जाएगा सी नॉट माइनस सी टी अपॉन टी हो जाएगा, उसके बाद हम वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 0.1 माइनस 0.08 बाई 10 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁻³, टी हाफ जो हमारा निकालेंगे यहाँ तो सी नॉट बाई 2 के हो जाएगा बराबर 0.1 बाई 2 × 2 × 10⁻³ यानी 25 मिनट यहाँ पे आ जाएगा, और टी अगर 100% निकालेंगे तो फार्मूला होता है हमारा सी नॉट बाई के, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा और वैल्यू पुट करेंगे तो 50 मिनट आ जाएगा, यानी टी हाफ का जो वैल्यू होता है सी नॉट बाई, फार्मूला जो होता है सी नॉट बाई 2 के होता है, और टी 100% का जो फार्मूला होता है सी नॉट बाई 2 सी नॉट बाई के होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 में, 45 में हम लोग आधा तब से ज़्यादा आ चुके हैं, फटाफट देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक? आंसर हमारा सी है, पॉलीथीन जो होता है वो थर्मोप्लास्टिक होता है, पॉलीथीन इज अ थर्मोप्लास्टिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड इज फॉल अचीव्ड बाय, आंसर हमारा ए होगा, रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विथ कार्बन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जिंक ब्लेंड कंटेन्स जेड एन ए सल्फाइड ओर है, विच इज फर्स्ट रोस्टेड पार्शियली एंड देन सब्जेक्टेड टू रिडक्शन विथ कार्बन। जेड एन ए को हम ऑक्सीजन में कर रहे हैं तो जेड एन ओ प्लस एस टू बनाएगा, रोस्टिंग उसे बोलते हैं, उसके बाद हम कार्बन रिडक्शन करेंगे, जेड एन ओ प्लस कार्बन करेंगे, हीट करेंगे तो जेड एन प्लस सी ओ हमारा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉन पोलर? हमारा आंसर होगा डी, SF6 इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, SF6 हैज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री सो इट्स डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू जीरो, अदर्स हैव वेक्टोरियल एडिशन ऑफ बॉन्ड मोमेंट्स विद इन द मोलिकुलर ज्योमेट्री टू गिव म्यू इज मोर देन जीरो फॉर द इंटायर स्पीसीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इन एग्जाम्पल ऑफ, इसका एग्जाम्पल है मॉलिकुलर क्रिस्टल का एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिस्ट हम लोग का एनसीईआरटी में दिया हुआ है सॉलिड स्टेट में, वहाँ पे जो मॉलिकुलर क्रिस्टल का एग्जाम्पल में CO2 दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर दूसरे एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। मॉलिकुलर क्रिस्टल कंटेंस मॉलिक्यूल्स एट लैटिस पॉइंट, सॉलिड्स आर ऑफन सॉफ्ट सब्सटेंसेज विथ लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ड्राई आइस और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ मॉलिकुलर सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड बी एक्स टू एंड इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी डिपॉजिटेड रेस्पेक्टिवली आर वाई एंड जेड, देन आंसर हमारा डी होगा, वाई इक्वल टू 2Z, और ये हाँ हमारा एक्सप्लेनेशन है, ए प्लस अगर अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो ए बन जाएगा, बी टू प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा तो बी बन जाएगा, उसके बाद लेट एन नम एन कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिपोजिटेड जो हो जाएगा वाई मोल इक्वल टू एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिपोजिटेड इक्वल टू एन बाई टू यानी कि जेड मोल, इसलिए वाई बाई टू जो हमारा हो जाएगा जेड, यानी वाई हम यहाँ निकाल सकते हैं 2Z हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन नहीं, ये जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 31 पे, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन इज, ये ऑक्सीजन दिया हुआ स्ट्रक्चर, अब कह रहा है द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ आर एम जी एस यानी ग्रिगनार्ड यूरिन के साथ अगर करेंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विल लीड टू द प्रोडक्ट, आंसर हमारा डी हो जाएगा, RCH2CH2OH हो जाएगा। और इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आर एम जी एस यानी ग्रिगनार्ड यूरिन को ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारा बन जाता है RCH2COMgX, बन जाएगा बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद हम अगर हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं H2OH+ से तो हमारा R जो है OH के साथ यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, MgX हट जाएगा तो यहाँ पे OH है यहाँ पे बन जाएगा और बाकी जो बॉन्ड है वो सही रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स गिवेन बाय, आंसर हमारा ए है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लाइगेंड्स। अब हम देखते हैं इस एक्सप्रेशन, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ मैक्सिमम कोवैलेंसी शोन बाय अ मेटल और मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो समेशन ऑफ नंबर ऑफ लाइगेंड्स इंटू डेंसिटी करते हैं। फटाफट देखते हैं, बैटरी भी लो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, द कार्बोनेट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इज इनसोल्यूबल इन वाटर, आंसर हमारा होगा डी, Ca2+ जो है वो इनसोल्यूबल है, इसलिए जो हार्डनेस ऑफ वाटर आता है, कार्बोनेट्स ऑफ द अल्कली मेटल्स एंड अमोनियम आर सोल्यूबल इन वाटर, ऑल अदर कार्बोनेट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे, नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो इज, इसका कंपाउंड का क्या होगा नेम, IUPAC नेमिंग बताना है, तो यहाँ पे जो इसका नेमिंग जो हो जाएगा बी आंसर होगा 4-ethyl-3-methyl-octane हो जाएगा, 8 कार्बन का है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट और
देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन करके, तो ये हमारा ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग करेंगे और उसके बाद नेमिंग कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज, आंसर हमारा ये होगा एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर साइक्लोहेक्सीन फ्रॉम साइक्लोहेक्सेनॉल इज बाय यूजिंग, आंसर हमारा हो जाएगा बी कंसनट्रेटेड H3PO4 से हम साइक्लोहेक्सीन से हम साइक्लोहेक्सेनॉल बना सकते हैं। ये रहा हमारा रिएक्शन, साइक्लोहेक्सेनॉल है और उसको कौन अगर H3PO4 से कर रहे हैं तो हमारा साइक्लोहेक्सीन बन जा रहा है। इन द रेस्ट ऑफ द केसेज सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस वेयर OH- विल बी रिप्लेस्ड बाय हैलाइड आयन, यानी कि यहाँ जो A, C और D जो है उसमें कह रहा है सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस हो जाएगा और OH- जो है वो रिप्लेस हो जाएगा हैलाइड आयन से। ठीक है, यानी कि OH के जगह पे इसमें A में Cl आ जाएगा, C में Br आ जाएगा और D में Cl आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ये भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल दिया हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना है एवो मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे हम अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा सिग्मा का जो वैल्यू हो जाता है 20 आ जाता है और पाई का वैल्यू आ जाता है 6। ये हमारा इलेबोरेट करके दिखाया गया है, टोटल 20 सिग्मा बॉन्ड और 6 पाई बॉन्ड्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे। अ सॉलिड हैज अ BCC स्ट्रक्चर इफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू एटम्स इज 1.73 एंगस्ट्रॉम, द एज लेंथ ऑफ द सेल क्या होगा। तो ये फॉर्मूला से आ जाएगा आंसर हमारा आता है 200 ppm। और यहाँ पे अगर फॉर्मूला देख एक्सप्लेनेशन देखें तो ऑल्सो क्लोजेस्ट अप्रोच इन बीसीसी लैटिस इज 1/2 ऑफ बॉडी डायगोनल। यहाँ पे जो क्या बोलते हैं फॉर्मूला जो होगा √3/2a हो जाएगा, यानी कि अगर वैल्यू पुट करेंगे तो a का जो वैल्यू हो जाएगा 1.732 × 2/√3 पुट करेंगे, 1.73 यहाँ पे दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा 199.6 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। रेशियो इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल बाय वॉल्यूम इज, आंसर हमारा ए हो जाएगा 2:1। और यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर्मूला ऑफ वाटर जो होता है H2 होता है, तो बहुत ईजी है 2:1 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आते हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं केमिस्ट्री में, उसके बाद फटाफट आएंगे फिजिक्स पे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बस ऐसे ही मत देखते रहना। इन द 40 का कह रहा है इन द रोजेनमंड्स रिएक्शन RCOCl+H2 PDBSO4 से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो RCHO यानी एल्डिहाइड बन रहा है और HCl यानी एसिड बन रहा है। तो यहाँ पे पूछ कह रहा है कि BSO4 क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो रहा सी डीएक्टिवेट्स PD को डीएक्टिवेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो RCOCl+H2 कर रहे हैं PDBSO4, तो RCHO+H2 इन दिस रिएक्शन BSO4 डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ पैलेडियम करेगा। ABCD ऑप्शन देख लेते हैं। ए कर रहा है प्रोमोट्स द कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ PD, नहीं। बी कर रिमूव HCl फ्रॉम फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, बिल्कुल गलत। डी कर एक्टिवेट्स PD, ये भी गलत हो, ये है एक तरह से पॉइजन का काम कर रहा है, कैटालिटिक पॉइजन। क्वेश्चन नंबर 41। अ वीक एसिड HXK=10^-5 ऑन रिएक्शन विथ NaOH गिव्स NaX फॉर 0.1 mL एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaX द परसेंट हाइड्रोलाइसिस इज, आंसर हमारा बी होगा 0.01%। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, हाइड्रोलाइसिस क्वेश्चन है शायद। ठीक है, X- + H2O HX + OH- गिव दे रहा है, X- जो है 1- H करेंगे तो यहाँ पर H और H हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे और H का अगर फॉर्मूला अगर पुट करेंगे तो KW/K × C करेंगे होल अंडर रूट, ये फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा यहाँ वीक एसिड का कह रहा है, तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10^-4 यानी 0.01% आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। बेंजीन एंड टोल्यून फॉर्म्स नियरली आइडियल सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस
द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 25 टॉर एंड दैट ऑफ टोल्यून इज 22 टॉर। द पार्शियल वेपर प्रेशर इन टॉर ऑफ बेंजीन एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 78 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 46 ग्राम ऑफ टोल्यून इज। ये हमारा सॉल्यूशन एंड कॉलुगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। देख लेते एक्सप्रेशन, लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बी एन ए एंड दैट ऑफ टोल्यून इज विल बी एन बी। अगर एन ए प्लस एन बी अगर दोनों का मोल जोड़ेंगे तो दोनों का हमारा हम लोग का जो ये है डब्ल्यू बाई नंबर मोलिकुलर वेट से करेंगे तो मोल निकल जाएगा। तो 78 दिया हुआ है, 78 बाई 78 प्लस 46 बाई 92 करेंगे तो 1 प्लस 0.5 आ जाएगा। और पी जो ए है एक अगर निकालेंगे तो पी नॉट ए एक्स ए हो जाएगा, यानी और एक्स ए का हम लोग अगर इलेबोरेट करेंगे यानी कि मोल फ्रैक्शन को एन ए बाई एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। तो पी नॉट ए इंटू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी होगा। तो अगर पी की पी ए का अगर वैल्यू अगर निकालेंगे वैल्यू पुट करके जो यहाँ पर यहाँ वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ मोल्स जो हमने निकाला तो द पार्शियल प्रेशर इन टॉर ऑफ बेंजीन एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 78 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 46 ग्राम ऑफ टोल्यून हमारा हो जाएगा 50 टोर, यानी यहाँ आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पे। 0.1 मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन ए बी आर फ्रीजेज एट -0.335 डिग्री सेल्सियस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। के फॉर वाटर जो दिया हुआ है 1.86 है। द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्ट इन द सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमारा ये जो है ये भी हमारा सॉल्यूशन कॉलुगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो हमारा डेल्टा टी एफ जो है वो हो जाएगा आई के एफ इंटू एम फार्मूला से। तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू हमारा यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ पुट करेंगे निगेटिव वैल्यू बिना लगाए हुए। तो हमारा जो आई का जो वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा 1.80 और एन ए बी आर के लिए आई को जो है 1 प्लस अल्फ़ा करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू 0.80 यानी कि 80% हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कंसिडरिंग एंट्रोपी एस एज अ थर्मोडाइनेमिक पैरामीटर द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द एनी प्रोसेस इज। यानी कि स्पॉन्टेनिटी हमारा जो होना चाहिए जो टोटल जो एस होना चाहिए टोटल एंट्रोपी जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए यानी मोर देन जीरो। तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग जो है हमारा मोर देन जीरो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन द रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग जो अगर जीरो होगा तो सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। दैट इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग करेंगे मोर देन जीरो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन जेड आइसोमर। तो हमारा आंसर होगा ए यानी कि यहाँ पे जो बी आर जो है जेड आइसोमर कह रहा है तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। यानी कि दो जो ग्रुप हैं हेवी ग्रुप वो दोनों सिस पोजीशन पर होना चाहिए आंसर हमारा ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए हमारा है जो फर्स्ट कार्बन पे है ए जो है सी एस थ्री और बी आर दोनों इस साइड हैं ऊपर साइड में और जो दोनों ए हैं वो इधर नीचे वाले ग्रुप में हैं ठीक है इसलिए ऐसा बना सकते हैं। ये सब रूल हैं आप इससे देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अच्छा हमारे यहाँ केमिस्ट्री सारे हो चुके हैं अब आते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन सारे देखते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू बोस थ्योरी द टाइम एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनएस ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू किस पे होगा प्रोपोर्शनल ठीक है मैग्नेटिक एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट का निकालना। ये हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है हमारा आंसर है ए एन होगा। इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो पाई स्क्वायर आई होता है इक्वल टू पाई स्क्वायर ई इंटू टी पुट करेंगे तो हमारा एम इक्वल टू 1/2 ई आर भी होगा। अब जो भी हमारा जो हो रहा है 1/n हो रहा है यानी कि आर जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। सो जो हम जानते हैं कि आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है इसलिए एम जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एन एक्साइटेड एच ई प्लस आई एन इमिट्स 2 फोटोन्स इन सक्सेशन विथ ए वेव लेंथ 108.5 नैनोमीटर एंड 30.4 नैनोमीटर इन मेकिंग अ ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट द क्वांटम नंबर एन कॉरिस्पॉन्डिंग टू इट्स इनिशियल एक्साइटेड स्टेट इज। तो यहाँ पे कह रहा है फोर अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एनर्जी इक्वल टू
1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय लेमडा इन नैनोमीटर होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। आंसर हमारा बी हो जाएगा, एन इक्वल टू 5। और एक्सप्रेशन देख लेते हैं, ई का जो वैल्यू होता है 1240 बाय लेमडा होता है, यहाँ पे ई वन का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 11.43 हो जाएगा। ई टू का जो वैल्यू है वो 1240 बाय लेमडा टू करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा लेमडा वन और लेमडा टू का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ई वन ई टू का वैल्यू आ जाएगा, फिर ई टोटल निकालेंगे, उसके बाद जो फार्मूला होता है हमारा ई टोटल का उसमें पुट करेंगे तो हमारा एन का जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्लेस्ड अराउंड द ओरिजिन ईच एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द ओरिजिन ईच। आंसर होगा बी, लेस देन और इक्वल टू आर। अब आते हैं इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन, इफ पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मेक अ सर्कुलर बाउंड्री अराउंड द ओरिजिन, द सेंटर ऑफ मास विल लाई एट द ओरिजिन, वेयर एज इफ़ द पार्टिकल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन डिस्टेंस कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड आर, दिस इम्प्लाइज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड द ओरिजिन इज ऑलवेज इक्वल ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू आर। क्वेश्चन नंबर 4। अ प्रोटोन मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 1.25 न्यूटन पर 5 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी हीलियम एटम, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटोन आफ्टर द कोलिजन इज। आंसर हमारा सी होगा, -0.75 न्यूटन पावर 5 मीटर पर सेकेंड। और ये रहा एक्सप्लेनेशन, बिफोर कोलिजन ए रहेगा, अब आफ्टर कोलिजन के बाद ए हो जाएगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाएंगे, एमपी इंटू ई1 इक्वल टू एमपी इंटू वी1 प्लस एमएचई इंटू वी2, तो यहाँ पे ई1 का वैल्यू हमारा ए आ जाएगा। 4 इलास्टिक कोलिजन ई इक्वल टू 1 हो जाएगा, हम जानते हैं। अब ई इक्वल टू होता है वी2 माइनस वी1 बाई ई1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से निकालेंगे। अगर यहाँ पे अगर E1 इक्वल टू हमारा A आ जाएगा, इक्वेशन 2 बना लेंगे, और इक्वेशन अगर 1 और 2 को अगर हम अगर इक्वेट करेंगे तो मेरा यहाँ वेलोसिटी आ जाएगा -0.75 इन 10 पावर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ़ BH इक्वल टू जो हॉरिजॉन्टल जो है वो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का वो 4 × 10⁻⁵ है और BB इक्वल टू 2 × 10⁵ टेस्ला है, देन द अर्थ टोटल फील्ड क्या होगा इन प्लेस इज। हमारा आंसर होगा B 2√5 × 10⁻⁵। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गिवन जो BH इक्वल टू जो है 4 × 10⁻⁵ है और BB हमारा दिया हुआ है, द टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो गिवन बाय B जो इक्वल टू होता है √BB² प्लस BH² का अंडर रूट होता है। तो यहाँ से हम अगर पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2√5 × 10⁻⁵ टेस्ला। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 2 mm इन 4 रोटेशंस एंड देयर आर 50 डिविजन्स ऑन इट्स कैप, व्हेन नथिंग इज पुट बिटवीन इट्स जॉज 13th डिवीजन ऑफ अ सर्कुलर स्केल डीकंसाइड्स विद अ रेफरेंस लाइन विद 0 ऑफ सर्कुलर स्केल लाइंग अबव द रेफरेंस लाइन, व्हेन अ प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉज द मेन स्केल रीड्स 2 डिवीजन एंड द सर्कुलर स्केल रीड्स 20 डिवीजन, द थिकनेस ऑफ द प्लेट क्या होगा। तो ये हमारा यूनिट एंड डायमेंशंस का यूनिट एंड मेजरमेंट का एक क्वेश्चन है स्क्रू गॉज का। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन देख लेते हैं। आंसर हमारा ए आता 1.5 mm। हम यहाँ पे एक्सप्रेशन देख लेते हैं। पीच जो होता है इक्वल टू 1/2 mm आ जाएगा यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो, और अगर लिस्ट काउंट निकालेंगे तो 0.5 mm/50 अगर फार्मूला से पुट करेंगे तो 0.01 mm आ जाता है। तो अब रीडिंग का जो फार्मूला होता है, रीडिंग को फार्मूला से अगर हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, रीडिंग फार्मूला यहाँ पे दिया नहीं है, लिस्ट काउंट का जो फार्मूला होता है पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल से यहाँ पे निकाला हुआ है 0.01, और जो रीडिंग है वो हमारा निकाला हुआ है कैसे, तो रीडिंग का जो होता है यहाँ पे तो दिया नहीं है, रीडिंग का एक फार्मूला होता है जो यहाँ पे पुट करने पर बनता है, टोटल ऑब्जर्व रीडिंग इक्वल टू मेन रीड स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन कंसाइडिंग द बेस लाइन ऑफ अ मेन स्केल इनटू लिस्ट काउंट। ऐसा करके हम निकालते हैं, आपको मिल जाएगा NCERT में या आप जो मॉड्यूल पढ़ रहे हैं उसमें दिया हुआ है। तो ये अगर रीडिंग का फार्मूला अगर लगाएंगे तो हमारा आंसर 1.5 mm आ जाता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर सेवन जो कह रहा है, इफ सिग्मा वन सिग्मा टू एंड सिग्मा थ्री आर द कंडक्टेंसेज ऑफ अ थ्री कंडक्टर्स देन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस व्हेन दे आर ज्वाइंट इन अ सीरीज क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज होगा। क्यों? क्योंकि जो आर जो होता है वो आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होता है, और आर का जो वैल्यू होता है वन बाय सिग्मा होता है, तो वन बाय सिग्मा वन प्लस वन बाय सिग्मा टू प्लस वन बाय सिग्मा थ्री होगा। तो यहाँ पर सिग्मा का जो वैल्यू हो जाएगा वन बाय सिग्मा वन प्लस वन बाय सिग्मा टू प्लस वन बाय सिग्मा थ्री का इन्वर्स आ जाएगा, जिसमें से ऑप्शन में से कोई नहीं है डी, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब बात है क्वेश्चन नंबर एट, फोर माइक्रोफेराइड कैपेसिटर इज चार्ज टू 400 वोल्ट एंड देन इट्स प्लेट्स आर ज्वाइंट थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस क्या होगा? आंसर हमारा डी हो जाएगा, 0.32 जूल हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर होता है हमारा हाफ सी स्क्वायर, यहाँ पर सी और वी का वैल्यू दिया हुआ है, पुट करेंगे तो हमारा एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इन टू हीट इन द रजिस्टर, यहाँ पर 0.32 आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे, इन द सर्किट सोन इफ द 10 ओम रेजिस्टेंस इज रिप्लेस्ड बाई 20 ओम, यानी कि जो बीच वाला जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, देन द अमाउंट ऑफ करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा बी, 4 एम्पियर। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3/8 = 9/ दोनों रेशियो जो है सेम हो जा रहा है, 9 बाई 24 और 3/8, ठीक है, दोनों जो है यहाँ पे 3 और 9 है और 8 है 24, 3 3 जाए 9 और 8 3 जाए 24, रेशियो हमारा सेम आ रहा है, इसलिए जो व्हीट स्टोन ब्रिज हो रहा है बैलेंस हो रहा है, यानी करंट फ्लो नहीं करेगा 10 ओम रेजिस्टेंस से। अगर 10 को हम हटा कर 20 कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस व्हीट है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। सो ऑन चेंजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज द करेंट ड्रॉन विल रिमेन द सेम। अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पे, द करेंट I इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लॉन्ग होलो सिलिंड्रिकल वायर ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2, मैग्नेटिक फील्ड B वेरीज विथ डिस्टेंस R फ्रॉम द मेन एक्सिस ऑफ द सिलेंडर एज। हमारा आंसर हो जाएगा B, और करेक्ट ग्राफ B होगा। और हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये जो फॉर्मूला होता है R लेस देन अगर R1 रहेगा तो B इक्वल टू 0 होता है, अगर R इक्वल टू मोर देन R2 रहता है तो मोर देन कैपिटल R2 होता है तो हमारा B इक्वल टू B0 I/2 πr होता है, और R1 जो स्मॉल R का जो वैल्यू जो है R1 और R2 के बीच में अगर लाइक करेगा तो B का जो वैल्यू होता है μ0 I × R² - R1² / 2πr × R² - R1 हो जाता है। तो इससे हम बना सकते हैं, तो ग्राफ हमारा हो जाएगा बी, पहले इंक्रीज करेगा उसके बाद डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, व्हाट इज़ द एवरेज पावर डिसिपेशन इन एन आइडियल कैपेसिटर इन एन एसी सर्किट? हमारा आंसर होगा सी, 0। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एवरेज पावर इन एसी सर्किट इज गिवन बाय पी इक्वल टू वी, पावर जो होता है वी आरएमएस इंटू आईआरएमएस कॉस फाई, सो प्योरली कैपेसिटिव रेजिस्टेंस सर्किट दिया हुआ है तो फाई इक्वल टू 90 डिग्री होता है, सो पावर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा कैपेसिटर के केस में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, द कैपेसिटी, ये भी कैपेसिटर का ही क्वेश्चन है, यानी कि जो भी मॉक टेस्ट हम लोग दे रहे हैं तो कोई भी चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रीट वैल्यू में नहीं है, यहाँ पुट नहीं किया है, इस चैप्टर का है, अगर दो क्वेश्चन तो साथ साथ में देता है ऐसा करके। केमिस्ट्री में भी वही बात है, बायो में भी वही हमने देखा, और केमिस्ट्री में भी यही देखे, फिजिक्स में भी वही देख रहे हैं। द कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर इज इंक्रीज्ड एन टाइम्स व्हेन इट इज इंक्लोज्ड बाय एन अर्थ कंसिडरिंग स्फीयर, द रेशियो ऑफ दियर रेडियस रेडियाई क्या होगा? हमारा आंसर आ रहा है बी, n/(n-1)। एक्सप्लेनेशन ये रहा हमारा जो फॉर्मूला जो होता है C1 = 4π ε₀ R1 हो जाएगा फर्स्ट के लिए, और C2 जो है सेकंड के लिए हो जाएगा 4π ε₀ R1 × R2 / R2 - R1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर निकालेंगे C2 जो हमारा दिया हुआ है nC1 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे अगर n का वैल्यू अगर निकालें तो हमारा R2 / R1 जो होता है n/(n-1) हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, टू लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय 40 mm, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज वी
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई आर इंडिकेटेड इन द फिगर विल बी, तो हमारा निकालना है यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी वी बाई टू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो होता है वो वी एक्स वाई जो होता है वी इंटू 25 cos 37 बाई 40 हो जाएगा, यानी वी बाई टू हो जाएगा अगर यहाँ पे कंपोनेंट का पुट करेंगे तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द अर्थ क्रस्ट इज 32 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर एंड द मीन कंडक्टिविटी ऑफ अर्थ इज 0.008 कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस। कंसिडरिंग द अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस 6000 किलोमीटर द लॉस ऑफ हीट बाई अर्थ एवरी डे इज अबाउट, आंसर हमारा होगा डी 10^18 कैलोरी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, डेल्टा क्यू जो होता है इक्वल टू के इन टू डेल टी बाई डेल एक्स इन टू डेल टी इक्वल टू 0.008 बाई 10^2 एंड 4 इंटू 10^22 बाई 7 6 इंटू 10^8 का स्क्वायर इंटू ये करेंगे वैल्यू अगर पुट तो हमारा आंसर आ जाएगा नियरली इक्वल टू 10^18 कैलोरी। ये हमारा थर्मोडाइनेमिक्स यानी हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाइज व्हेन अ बॉडी इज लूजिंग हीट टू इट्स सराउंडिंग बाय, आंसर होगा सी कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों से। ये भी हमारा जो है वो हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है और थर्मोडाइनेमिक्स का क्वेश्चन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाइज व्हेन अ बॉडी इज लूजिंग हीट टू इट्स सराउंडिंग बाय कन्वेक्शन और रेडिएशन बोथ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, वन एंड ऑफ थर्मली इंसुलेटेड रॉड इज केप्ट एट अ टेम्परेचर T1 एंड अदर एट टेम्परेचर T2। द रॉड इज कम्पोज ऑफ टू सेक्शंस ऑफ लेंथ L1 एंड L2 एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर एट द इंटरफेस ऑफ द टू सेक्शंस इज, आंसर हमारा हो जाएगा सी K1 L2 T1 प्लस K2 L1 T2 बाई K1 L2 प्लस K2 L1। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, ये भी जो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन है। द लेट द टेम्परेचर एट द इंटरफेस इज टी फॉर पार्ट ए बी के लिए हो जाएगा K1 बाई टी डायरेक्ट पोस्ट पोस्ट T1 माइनस टी इंटू K1 बाई L1। बी सी के लिए हमारा हो जाएगा Q2 बाई टी डायरेक्ट पोस्ट पोस्ट T1 माइनस T2 बाई T1 माइनस T2 इंटू K2 बाई L2 और इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर होगा यानी Q1 बाई टी इक्वल टू Q2 बाई टी होगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे दिया क्वेश्चन इंसुलेटेड है, इक्विलिब्रियम के लिए हमें यहाँ पे जीरो दोनों बराबर हो जाएगा। अब दोनों का वैल्यू अगर पुट करेंगे Q1 बाई T1 और Q2 बाई T1 को तो यहाँ पे टी का वैल्यू जो हमारा आ जाता है, आंसर हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, वन मोल ऑफ डाई एटोमिक गैस अंडर गोज अ थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस होज प्रोसेस इक्वेशन इज पी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस क्या होगा, आंसर हमारा बी होगा 17 R/6। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, गिवन पी वी माइनस टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट कंपेयरिंग विथ पी वी टू द पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट वी गेट एन इक्वल टू माइनस टू, सी इक्वल टू हो जाएगा सी वी प्लस आर बाई वन माइनस एन यानी कि 5 R/2 प्लस आर बाई वन प्लस टू यानी कि 5 R/2 प्लस R/3 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 17 R/6 हो जाएगा। यहाँ पे ये भी हमारा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसलिए हम लगातार यहाँ पे चार क्वेश्चन यहाँ इसे मिलाकर देख चुके हैं। इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एयर द वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाई 5% द कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज चेंज इन प्रेशर विल बी, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 1.05/7/5 का वैल्यू 1.07 दिया हुआ, आंसर हमारा ए हो जाएगा 7%। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा, गामा का वैल्यू यहाँ पर 7.5 होगा क्योंकि यहाँ पे है हमारा एयर दिया हुआ है एक्सपेंशन ऑफ एयर तो 7/5 ले लेंगे। V2 इक्वल टू 1.05 V1 यानी कि यहाँ पे P1 V1 टू पावर गामा इक्वल टू यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो P2 यहाँ पे और ये P1 by 1.05 टू पावर 1.05 गामा आ जाएगा और परसेंटेज चेंज जो है हमारा यहाँ P2 - P1 by P1 करेंगे तो इंटू 100% करेंगे तो यहाँ पर 7% आ जाएगा वैल्यू पुट करने पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे दिए हुए हैं वो देखना बड़ा ज़रूरी है। ये जो है वैल्यू कहाँ गया,
ये जो है फॉर्मूला यहाँ पे मोनोटेरमिक के लिए क्या होता है, डायमेटोमिक के लिए क्या होता है, पोलियोटोमिक के लिए क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स कैरी करेंट्स आई एंड टू आई इन द सेम डायरेक्शंस, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन देम इज बी। इफ द करेंट इन द फर्स्ट कंडक्टर इज रिवर्स्ड इन डायरेक्शन, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट एट द सेम पॉइंट क्या होगा। आंसर हमारा सी होगा, 3B। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन द फर्स्ट केस द टू फील्ड्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड एज अ रिजल्ट द रिजल्टेंट फील्ड इज द डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल फील्ड्स, वेयर एज द नेक्स्ट केस द टू फील्ड्स आर इन द सेम डायरेक्शन एंड एड अप टू गिव द रिजल्टेंट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन इन द सेम डायरेक्शन, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन, देन द इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा। आंसर होगा सी, नॉट बी डिफ्लेक्टेड बट इट्स स्पीड विल डिक्रीज हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एज द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पैरेलल टू द बोथ फील्ड्स, सो मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स मोशन, बट इलेक्ट्रिक फोर्स की एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हेंस द इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी डिफ्लेक्टेड बट इट्स स्पीड डिक्रीज करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द डिस्टेंस थ्रू विच अ प्रोजेक्टाइल हैज टू फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट टू अक्वायर अ वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन मैग्नीट्यूड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। आंसर हमारा ए होगा, 75 डिग्री। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूजिंग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, वी गेट s इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g। नाउ वी स्क्वायर साइन 2θ बाई जी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g और साइन 2θ इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर साइन 2θ इक्वल टू साइन 30 डिग्री हो जाएगा या थीटा इक्वल टू 15 डिग्री हो जाएगा। द अदर पॉसिबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री करेंगे तो 75 डिग्री हमारा यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स डाउन अ इंक्लाइंड प्लेन विथ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एज म्यू के, देन इट्स एक्सलरेशन इज गिवेन बाय। आंसर होगा डी, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ए जो है इक्वल टू जी इन टू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 45 में 22 तक आ चुके हैं, लगभग 22 और बचे हुए हैं। फटाफट देखते हैं, उसके बाद हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो 23 कह रहा है, अ ब्लॉक बी इज पुश्ड मोमेंटरली अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी वी, इफ म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड द सरफेस, देन द ब्लॉक बी विल कम टू रेस्ट आफ्टर अ टाइम। आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी, वी बाय जी इंटू म्यू। यहाँ पे देखते एक्सप्रेशन देख लेते हैं। फ्रिक्शन इज द रिटार्डिंग फोर्स फॉर द ब्लॉक, एफ इक्वल टू एम ए हो जाएगा, इक्वल टू म्यू आर इक्वल टू म्यू एम जी हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन वी इक्वल टू माइनस वी इक्वल टू यू माइनस ए टी, यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करेंगे तो जीरो इक्वल टू वी माइनस म्यू जी इंटू टी हो जाएगा, यानी वी बाय म्यू जी इक्वल टू टी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये हमारा रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। वेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप R228-88 डीके इन अ सीरीज बाई इमिशन ऑफ 3 अल्फा पार्टिकल और एंड बीटा पार्टिकल्स, द आइसोटोप फाइनली फॉर्म्ड क्या होगा। आंसर हमारा सी होगा, X 216/83। अल्फा जो होता है वो हमारा 2He4, यानी कि एटॉमिक मास जो है 4 से घट जाता है, और एटॉमिक जो नंबर है वो 2 से घटता है, और बीटा पार्टिकल में जो एटॉमिक नंबर है 1 से बढ़ जाता है, और एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उससे हम यहाँ बना सकते हैं, डिक्रीज द मास ड्यू टू एमिशन ऑफ 3 अल्फा पार्टिकल जो हो जाएगा एंड बीटा पार्टिकल क्या हो जाएगा, 3 × 4 यानी कि 12 हो जाएगा, और डिक्रीज इन चेंज इन नंबर प्रोसेस हो जाएगा 3 × 2 - 1 यानी 5 हो जाएगा। फोर द रिजल्टिंग एलिमेंट ए जो हमारा 216 और जेड इक्वल टू हमारा 33, यानी कि आंसर हमारा सी आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
25 पे, इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन एक्स स्टैंड फॉर एन गिव्स प्रोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स, आंसर हमारा डी होगा एंटी न्यूट्रीनो। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, विथ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एंटी न्यूट्रीनो इज एमिटेड, विथ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एंटी न्यूट्रीनो जो है वो इमिट होता है बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 से, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विथ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स इट ऑन इट इज एग्जीक्यूटिंग एस एच एम इन द वर्टिकल डायरेक्शन, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 2.5 सेंटीमीटर, व्हाट मस्ट बी द लीस्ट पीरियड ऑफ दीज ऑसिलेशंस सो दैट द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिटैच्ड, आंसर हमारा सी होगा पाई बाई 10 सेकेंड। और एक्सप्लेनेशन होगा एम ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल टू एम जी, दोनों बैलेंस करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू जी बाई ए आ जाएगा। टी हम लोग जानते हैं टी इक्वल टू पाई अंडर रूट ए बाई जी, यहाँ पर टी का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो पाई बाई 10 हमारा आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे, इन अ सेकंड पेंडुलम द मास ऑफ द बॉब इज 30 ग्राम, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 90 ग्राम मास देन इट्स टाइम पीरियड विल बी, क्या होगा आंसर होगा बी 2 सेकेंड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द सेकेंड पेंडुलम इज अ स्पेशल पेंडुलम विथ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पेंडुलम मास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे, इन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी 2.7 × 10⁵ हर्ट्ज ऑफ ईएम वेव इज इमिटेड व्हेन ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम 2 to 1, इफ इट मूव्स फ्रॉम 3 to 1 द फ्रीक्वेंसी इमिटेड विल बी, आंसर होगा ए 3.2 × 10⁵ हर्ट्ज। अब आते हैं एक्सप्रेशन देख लेते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ भी, फ्रीक्वेंसी जो भी है न्यू बोल सकते हैं, ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वी एन हाइड्रोजन एटम डी एक्साइट्स फ्रॉम द लेवल N2 to N1, क्या हो जाएगा न्यू जो होता है RcZ²(1 − N1²−1/N2²) फॉर्मूला होता है, वेन द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस हो रहा है N2 to N1 = 1 हो रहा है, देन हम यहाँ अगर न्यू का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का 2.7 × 10⁵ दिया हुआ है, अगर पुट करेंगे यहाँ वैल्यू तो हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा, उसके बाद फिर इस पे ट्रांजिशन 3 to 1 पे अगर पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन 2 आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को अगर पुट करेंगे तो हमारा न्यू का जो वैल्यू है वो 2 इन फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू 3.2 × 10⁵ हर्ज आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2000 angstrom आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल सर्फेस विच हैज़ अ वर्क फंक्शन 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द गिवन सेटअप क्या होगा, आंसर हमारा ए होगा 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन, इंसिडेंट एनर्जी जो होता है 12400 / λ होता है, लैम्डा का वैल्यू 2000 दिया होगा एंगस्ट्रॉम में, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी होता है वो हम घटा देंगे तो यहाँ पे 6.2 − 5.01 जो दिया उसे वर्क फंक्शन से घटा देंगे, जो इंसिडेंट एनर्जी -5 यानी वर्क फंक्शन से घटाएंगे तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, यानी यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमारा आ जाएगा 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 30 देखते हैं, द इमेज ऑब्टेंड विथ अ कन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट एंड इट्स लेंथ इज 4 times द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 cm द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज डिस्टेंस क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी इक्वल टू 15 cm और वी इक्वल टू 60 cm हो जाएगा। रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है हमारा, हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ए इक्वल टू 20 cm, एम इक्वल टू 4, जिसल एम इक्वल टू वी बाई ई यानी वी इक्वल टू 4 ई हो जाएगा। अब जब फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर करेंगे तो ए 1 / f = 1/v − 1/e हो जाएगा, यानी कि 1/20 = 1/u − 1/u − 1/e = 1/20 = 1/1 − 4/4u हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा −60 हो जाएगा, u का वैल्यू हमारा −15 हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u वी गेट v इक्वल टू 4u, यानी कि 4 × −15 = −60, यानी कि इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 15 cm, इमेज डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 60 cm भी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, 15 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देखते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर इंडोस्कोपी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आंसर हमारा ये हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एन ऑप्टिकल फाइबर इज ट्रांसपेरेंट थिन फाइबर यूजुअली मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन इमेजिन ऑप्टिक्स एंड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
Bundles of the fibers are used along with lenses for long thin imaging devices called endoscopes, which are used to view objects through a small hole. Medical endoscopes are used for minimally invasive exploratory or surgical procedures or endoscopy. क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स अलोंग लाइन पी सी विथ वेलोसिटी वी एज शोन, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट पी. आंसर हमारा हो जाएगा डी यानी जीरो. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द पार्टिकल मूव्स विद निलियन वेलोसिटी वी अलोंग द लाइन पी सी, द लाइन ऑफ मोशन इज थ्रू पी, हेंस एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे, द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज 1.2 केजी पर मीटर स्क्वायर. इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500 जूल, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मस्ट बी अप्लाइड अबाउट दैट एक्सिस फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ. आंसर हमारा बी होगा 2 सेकेंड. और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आई इक्वल टू 1.2 केजी पर केजी मीटर स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू जीरो, और अल्फा जो है इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो जीरो है, अल्फा हमारा 25 दिया हुआ है. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है हाफ आई ओमेगा, फाइनल स्क्वायर से करेंगे तो हमारा 1500 जूल आ जाएगा, इसलिए हमारा ओमेगा फाइनल जो हमारा 15 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा. और यहाँ पे टी जो है हम यहाँ से टी का अगर फॉर्मूला से अगर पुट करो वी इक्वल टू यू माइनस एटी से उसी तरह से आ जाता है ये रोटेशनल में, टी इक्वल टू वी फाइनल ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई अल्फा इक्वल टू 50/25 इक्वल टू 2 सेकेंड आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 34, अ डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, सी इज इट्स सेंटर एंड क्यू एंड पी आर टू पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सी, लेट वी पी वी क्यू एंड वी सी बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज ऑफ पॉइंट पी क्यू एंड सी रिस्पेक्टिवली. तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वी क्यू सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद वी सी होगा, उसके बाद वी पी हो जाएगा सबसे कम. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जो सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द डिस्क जो होगा वी इक्वल टू आर ओमेगा, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओ होगा, और आर क्यू होगा सबसे ज़्यादा, रेडियस ऑफ क्यू सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आर सी होगा, उसके बाद आर पी होगा, इसलिए जो वी क्यू होगा सबसे ज़्यादा होगा रेडियस के अनुसार, उसके बाद वी सी होगा, उसके बाद वी पी होगा. क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं. आप सॉलिड होमोजीनस स्फेयर इज मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पार्टली रोलिंग एंड पार्टली स्लाइडिंग ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ मोशन ऑफ द स्फेयर. आंसर हमारा बी होगा, एंगुलर मोमेंट ऑफ द स्फेयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द प्लेन इज क्या होगा, कंजर्व्ड होगा. एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं, द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कंजर्व्ड बिकॉज टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी जीरो होगा. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे, अल्टरनेटिंग करेंट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करेंट बाई. आंसर है ए इलेक्ट्रीफायर, ये हमारा सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, ये है हमारा अल्टरनेटिंग करेंट है, इलेक्ट्रीफाइंग करेंट के बाद ही हमारा डीसी करेंट बन जाता है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 पे, द ट्रांजिस्टर, ये भी सेमीकंडक्टर क्वेश्चन है, द ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स नेमली अल्फा एंड बीटा ऑफ अ ट्रांजिस्टर आर रिलेटेड एज. आंसर है डी, 1/α - 1/β इक्वल टू 1 होता है. ये हमारा है एक्सप्लेनेशन, फ्रॉम कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर बीटा इक्वल टू α/1 - α होता है. तो इसको अगर हम आगे इलैबोरेट करेंगे तो 1 - α/α इक्वल टू 1/β हो जाएगा, और 1 α - 1β करेंगे तो 1 हो जाएगा हमारा डी आंसर. क्वेश्चन नंबर 38, द इक्वेशन ऑफ स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू 8 ग्राम ऑफ O2 इज. आंसर हमारा बी है, पी वी इक्वल टू RT/4. 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्विवेलेंट टू 1/4 मोल, इसलिए पी वी इक्वल टू μRT इक्वल टू RT/4 हो जाएगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है इना, तो फिल इन द ब्लैंक्स पुट करके हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं. इन अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट वुड बी 4 times द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ अ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आई नेट जो होता है I1 + I2 + 2√I1 + I2
कॉस फाइव हो जाता है, तो वेन आई वन इक्वल टू आई टू एंड कॉस फाइव इक्वल टू प्लस वन, देन वी गेट आई मैक्स इक्वल टू फोर आई वन, मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द डबल स्लिट इंटरफेस इक्वल टू फोर हो जाएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट से होगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देखते हैं। द सोडियम येल्लो डबलेट हैज वेव लेंथ 5, सोडियम लैंप यहाँ पे है, वेव लेंथ जो है 5890 एंगस्ट्रम एंड लेमडा एंगस्ट्रम एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग टू रिजॉल्व दीज लाइंस इज 982, देन वैल्यू ऑफ लेमडा क्या होगा, आंसर हमारा होगा ए 5896 एंगस्ट्रम। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, मीन वेवलेंथ जो होता है लेमडा इक्वल टू 5890 प्लस लेमडा बाई 2 होगा, वेवलेंथ है डिफरेंस जो होगा डी लेमडा इक्वल टू लेमडा माइनस 5890 होगा, रिजॉल्विंग पावर जो आर ऑफ ग्रेटिंग जो होगा आर इक्वल टू लेमडा ए लेमडा एम बल डी लेमडा होगा, यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो लेमडा इक्वल टू 5896 एंगस्ट्रम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अ व्हिसल गिविंग आउट 450 हर्ट्ज अप्रोचेज अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट अ स्पीड ऑफ 33 मीटर पर सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इन हर्ट्ज इज, स्पीड ऑफ साउंड जो है 330 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, हर साल नीट में आते हैं क्वेश्चन इस पे बेस्ट, आंसर होगा डी 500। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इसलिए हमारे यहाँ पे एफ डैश जो है एफ इंटू वी बाई वी माइनस वी वन फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एफ डैश इक्वल टू 500 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मेनी टाइम्स मोर इंटेंस इज द 60 डेसिबल साउंड देन 30 डेसिबल साउंड, हमारा आंसर हो जाएगा ए 1000। और एक्सप्लेनेशन देखते हैं, लाउडनेस जो होता है एल इक्वल टू जो होता है 10 log 10 आई बाई आई नोट, तो 60 इक्वल टू 10 log 10 आई 1 बाई आई नोट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर जो हो जाएगा आई 1 बाई आई 2 क्वेश्चन 1 और 2 से देखेंगे तो 1000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, टू वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ द सेम मटेरियल बट लेंथ एल एंड 12 हैव रेडियाई 2r इंटू r रिस्पेक्टिवली, दे आर स्ट्रेस्ड अंडर सेम टेंशन, बोथ द स्ट्रिंग्स वाइब्रेट इन दियर फंडामेंटल मोड्स, द वन ऑफ लेंथ एल विथ फ्रीक्वेंसी वी वन एंड द अदर विथ फ्रीक्वेंसी वी टू, द रेशियो वी वन बाई वी टू इज गिवन बाई, आंसर होगा 1a1। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है एफ इक्वल टू 1/12 इंटू अंडर रूट टी बाई म्यू, अगर यहाँ एफ वन बाई एफ टू करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर हमारा आंसर 1 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट के एक्सटेंड्स बाई अ लेंथ एक्स ऑन लोडिंग, इफ टी इज द टेंशन इन द स्प्रिंग देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग क्या होगा, आंसर होगा हमारा ए टी स्क्वायर बाई 2k। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज गिवन बाई ई इक्वल टू 1/2 kx² वेयर के इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, नाउ अप्लाइंग द हुक्स लॉ वी हैव द टेंशन टी इक्वल टू kx, मैग्नीट्यूड वाइज एक्सटेंशन हमारा एक्स निकालेंगे तो टी बाई के हो जाएगा, दोनों का वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ई इक्वल टू 1/2 t² / k हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स एंड ऑल्सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर वीडियो। इन द फिगर द बॉल ए इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट व्हेन द स्प्रिंग इज एट द नेचुरल यानी अनस्ट्रेच लेंथ पे है, फॉर द ब्लॉक बी ऑफ मास एम टू लीव कॉन्टैक्ट विथ द ग्राउंड एट सम स्टेज, द मिनिमम मास ऑफ ए मस्ट बी, हमारा आंसर हो जाएगा सी एम बाई 2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन द स्प्रिंग विल एग्जर्ट मैक्सिमम फोर्स व्हेन द बॉल इज एट इट्स लोवेस्ट पोजिशन, इफ द डिस्टेंस एक्स टू रीच द पोजिशन एम जी एक्स इक्वल टू 1/2 kx² इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2mg/k, फोर ब्लॉक बी टू लीव कॉन्टेक्ट स्प्रिंग फोर्स के एक्स इक्वल टू एम जी, कंपेयरिंग इक्वेशन का कंपेयर करेंगे 1 and 2 तो m इक्वल टू एम बाई 2 स्मॉल m इक्वल टू एम बाई 2 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा सारा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन, 153 क्वेश्चन 153 मिनट्स हो गए हैं 180 से भी कम में, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, इतने मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, प्लीज़ लाइक एक कर दो यार, कुछ नहीं जाता तुम लोग के लिए, शेयर भी कर दो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।